आस्था भजन संतों के संग। आप देख रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन धरा अयोध्या में। श्री साकेत धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में क्रांतिकारी व्याख्याता पूज्य स्वामी बाल भरत जी महाराज अयोध्या वाले के मुखारविंद से श्री किशोरी जी की नित्य लीला भूमि श्री जानकी घाट बड़ा स्थान श्री धाम अयोध्या में आयोजित श्री राम कथा का विशेष प्रसारण। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद स्वामी बाल भरत व्यास जी महाराज श्री के श्री चरणों में मेरा नमन वंदन। श्री राम कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा के ऐसे विद्वान जिनकी वाणी आज केवल उत्तर प्रदेश, केवल राजस्थान या भारत के केवल गिने चुने प्रांतों में नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय बन चुकी। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे दीन बंध सम होय। जो रहीम दीन ही लखे दीन बंध सम होय। एक मुक्तक अंधकारों के दिन मान बन जाइए, अंधकारों के दिन मान बन जाइए, टूटी तलवारों की शान बन जाइए, दीन दुखिया मिले तो लगाना गले, बेसहारों के भगवान बन जाइए, बेसहारों के भगवान बन जाइए। वीरभूमि राजस्थान जो वीर भूमि है, उत्तर प्रदेश जहां दोनों पूर्णावतार हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, उत्तर प्रदेश की पावन धरा धाम पर राजस्थान की भूम भूम राजस्थान की पवित्र वीर भूमि से पधारे हुए सभी महानुभावों का, सभी माताओं का, सभी वहां के जनमानस का श्री साकेत धाम चैरिटेबल ट्रस्ट हार्दिक वंदन अभिनंदन करता है। साथ ही साथ जो लोग हमारे बीच में जो कथानुरागी हैं, महाराज श्री के निकट के हैं, वो लोग गोंडा से, बस्ती से, बाराबंकी से, लखनऊ से भी हमारे बीच में पधारे हैं, मैं सबको श्री साकेत धाम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सबका हृदय से आभार और साधुवाद करता हूँ। महाराज श्री व्यास पीठ पर आसीन हो चुके हैं, महाराज श्री की कथा में कोई हम विलंब नहीं चाहते। आज सप्तम दिवस की पतित पावनी श्री राम कथा जो संगीतमयी श्री राम कथा है, आप रस सिद्ध क्रांतिकारी व्याख्याता हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, इसी पांडाल में मिथिला, इसी पांडाल में अयोध्या, इसी पांडाल में भगवान कृष्ण की लीला स्थली मथुरा, प्रयाग, काशी सब यही उपस्थित कर देने वाले हैं अपने शब्दों से। ऐसे कथा व्यास हमारे बीच में हैं, हम सबके निकट हैं, हम सब इस पुण्य का लाभ उठाएं। मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी है, सब लोग जीवन पथ के मुसाफिर। मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूं, कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूं, कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूं। अरे वो बुलंदियां भी किस काम की जनाब, वो बुलंदियां भी किस काम की जनाब, आप बहुत ऊंचे उठ गए, जहां इंसान तो चढ़े इंसानियत उतार कर, वो बुलंदियां किस काम की जनाब। महाराज श्री के चरणों में निवेदन, आज
पवित्र पावनी श्री राम कथा जो सप्तम दिवस की पावन वेला है जिसमें आप सब उपस्थित हैं। महाराज श्री से निवेदन, इस कथा को पिछली कथा से जोड़ते हुए आगे ले चलें और हम सब लोग इसका पुण्य लाभ उठावें और इसमें डुबकी लगावें। महाराज श्री नमः परमहंसा स्वाद चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्म मुक्षोः सुपद परिपदो प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्राम स्थानमेकं कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां यम धर्म धर्म से प्रभवत भवताम भूतये राम नाम। अतुलित बल धाम हेम शैला भदे हम धनुज बन कृषा ज्ञानी नाम गण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीतम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि गोष्पति कृतबारीशम मसकी कृतराक्षसम रामायण महामाला श्रीरतनम वंदे निरात्मजम उल्लंघिसन्धोः सलिलम सलीलम यः शोकवहनिं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाहलङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलराञ्जने कि अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन धन रघुबीर कि जिनकी सेवा भाव से ये मुग्ध भये श्री राम ऐसे श्री बजरंग को मेरा बारंबार प्रणाम कि बारंबार प्रणाम कि भूले भटके थे जो विमोह पथ में विलीन उनकी कुलक्ष लक्ष मोड़ तुमने दिया बीड़ा बादिनी के सुच कोमल पदा मुझ में पा पाप के प्रचंड घट फोड़ तुमने दिया संस्कृत को काव्य सुधा दान करने के लिए तत्वेद व्यास के निचोड़ तुमने दिया कि स्वर्ग धरा को एक खंड करने के लिए बाबा मानस में सात खंड जोड़ तुमने दिया बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र पूरत लख्यो प्रगट्यो सब सजहाज निशीम करुणा पूर्णा वात्सल्यक महोदधि कांता श्री राघवेंद्रस्य सर्वदा पातु जानकी सर्वदा पातु जानकी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।
जय घोष ऐसा बोले एक बार कि पंडाल में सुनाई पड़े, बाहर भले न सुनाई पड़े पंडाल में थोड़ा सा सुनाई पड़ जाए, जिनके जिनके कान में पड़ जाए उनके उनके कान पवित्र हो जाए, भगवान के नाम का जय घोष। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब जयकारा लगा, पहले फॉर्मेलिटी लगी थी, अब फॉर्मेलिटी लगेगी तो पेनाल्टी भी लगती है, ध्यान दीजिए। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। बाबा परमार्चनी वंदनी प्राप्त रखिलो सर्व पर ब्रह्म परमात्मा शरण शरण कारण करुण करुणा बरोड़ा ले। श्री भक्तमान छकलपतरु तलित दुनित पीतांबरधारी भगवान श्री आनंद कंद शरण शरण मर्यादा अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम धर्म के प्रत्यक्ष गुण सत्य संत चरित्रवान भगवान श्री राघवेंद्र सरकार श्री राम जी चंद्र जी महाराज की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्री रामायण जी के इस कथा ज्ञान के का आज छठवां पावन मंगलमय दिवस छठवीं यात्रा आगे की तरफ बढ़ रही है। कल के पावन मेला में आप लोगों ने भगवान की विवाह लीला की कथा सुनी। लीला माने जो सही ना हो, बोलो जैसे लीला माने जिसको बनाकर किया जा रहा हो, जैसे राम लीला। तो राम लीला जो होती है वो वास्तविक वो थोड़े जो राम जी ने किया था, वो तो बनाया जाता है। तो इसीलिए भगवान के हर चरित्र को लीला का नाम दिया गया। अरे वो मनुष्य नहीं है, वो परमात्मा है। ईश्वर का विवाह नहीं होता, और यदि विवाह हो रहा है तो उसकी लीला है। वो विवाह करके आपको बता रहा है कि आपका विवाह कैसे होना चाहिए। ये नहीं कि बंदूक दगा करके पंडाल फाड़ दे, ऐसे ऐसी बारात नहीं होनी चाहिए। शराब पी करके विवाह मंडप में ही दूल्हा गिर जाए, ऐसा विवाह नहीं होना चाहिए। विवाह की मर्यादा का पाठ सिखाया था भगवान राम ने, तो दो बार भगवान नाम उच्चारण करेंगे, थोड़ी देर कीर्तन की गंगा में स्नान, उसके बाद में कथा की गंगा में स्नान। सीता राम सीता भाव से भगवान नाम संकीर्तन करेंगे कुछ देर, तत्पश्चात आगे के क्रम में बढ़ेंगे। श्री प्रहलाद जी महाराज की परिपाटी की तरफ चलेंगे। श्री प्रहलाद जी महाराज ने नाम कीर्तन करके परमात्मा को प्रसन्न किया था, और कलयुग में कीर्तन में जितना बल है उतना बल यज्ञ में नहीं है, उतना बल योग में नहीं है, किसी साधना में नहीं है। बोलो जय श्री हरि। बोलो सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम
सीताराम 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 सीताराम। जिनके पद पंकज के पर से मुनि नारी बनी पथरा तारी गए, जिनके पद पंकज के पर से मुनि नारी बनी पथरा तारी गए। जिनके सब देव बखान करे जनमानस मानस में बस गे, बिन पावन राम कथा लिख के हुलसी के लला तुलसी बन गे। सीताराम 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 बाबा राम सीताराम सीताराम सीताराम। जय राजा राम राजा राम कबीर को जाके नाम यधार। फिर राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 राजा राम राजा राम सीताराम 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 सीताराम। कलयुग में कीर्तन से बड़ा कोई योगाभ्यास नहीं। सांस रोकने का योगाभ्यास का तमाम तरह के एक तरह का प्राणायाम है। शरीर के सारे अंग कीर्तन में संचालित होते हैं, इसीलिए संतों ने राजा राम 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 श्री सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 सीताराम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री किशोरी जानकी मैया की जय। कैलाश पर्वत के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान भगवान श्री महादेव जी महाराज वर्णन करते हैं कथा की रसिक परम भाव से कथा सुनने वाली भगवती श्री पार्वती। कल के मेला में भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा, जो कि धनुष प्रत्येक मनुष्य के जीवन की एक चुनौती बना हुआ है। लोग ये भूल जाते हैं कि राम जी ने धनुष तोड़ा था, अब मुझे नहीं तोड़ना पड़ेगा। यदि सफलता की माला गले में पहनना चाहते हो, मैं रोज यही कहूंगा, सीता जी माने सफलता। आप चाहते हैं कि सफलता आपके गले में माला डाले, तो आपको धनुष तोड़ना होगा, नहीं आप जीवन में असफल रहेंगे। और धनुष कब तोड़ेंगे? जब आपके आगे आगे कोई विश्वामित्र जैसा गुरु होगा। और आगे आगे गुरु गायब है तो आप धनुष नहीं तोड़ सकते, तब तो आपको लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। अब आप चाहते हैं कि आपके पीछे कोई लाइन में खड़ा हो, तो आपके आगे गुरु होना चाहिए। मैं आपको निचोड़ बता रहा हूं।
कल की बेला में भगवान श्री रघुनाथ जी महाराज ने धनुष तोड़ा किसके कहने पे? गुरु जी के कहने पे तोड़ा था, अपने मन से नहीं। ये अलग बात है कि आपके पास बल है, आपके पास धन है, वो प्रदर्शन करने की चीज नहीं है। तेही छन माते, गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में यही लिखा था कि तेही छन माते राम धन तोरा, 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 हरे भुवन दुनि कठोर, हरे भुवन दुनि कठोरा, हरे भुवन धुनि। वैसे भैया आज आज भगवान की बन लीला है और हमारा प्रयास रहेगा कि श्री भरत जी की पदका श्री सरकार की चर्चा संक्षिप्त हो जाए। एकाग्रता बनाइए। तेही छन मध्य, जितने लोग बैठे हैं सब लोग मध्य का मतलब जानते हैं। मध्य किसे कहते हैं? दिल्ली के हमारे बड़े प्रसिद्ध समाज सेवी श्री वासुदेव मिश्र अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं। हमारे लखनऊ के बड़े ही सामाजिक धार्मिक कार्यकर्ता श्री अशोक वाजपेयी जी, श्रीमती मीनाक्षी वाजपेयी, लखनऊ से पूरी टीम के साथ आए हमारे सामने बैठे हैं। अवध की धरती जिसको जिसको सौभाग्य दे दे, और सादगी की प्रतिमूर्ति हमारे दाहिने हाथ के जैसे जहां से लोग आए हैं परवसर नगर के अगल बगल से, वहां के चेयरमैन मतलब नगर पालिका अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी सेन, जरा थोड़ा खड़े हो जाएं, चारों तरफ घूम जाएं। कोई बता ही नहीं सकता कि चेयरमैन है, बड़े सेवक है सबके समाज के, और आप भी समय मूल्यवान समय बहुत काम है लेकिन आप 1000 किलोमीटर से कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। पंडित वासुदेव मिश्र जी हमारे करावल नगर वहां बैठेंगे। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और बहुत बहुत आशीष देता हूँ। हमारे अयोध्या के विशिष्ट शुभ चिंतक एवं संरक्षक, 5-5 बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके महान श्री वीरेंद्र दास जी महाराज, श्री जानकी कुंज प्रमोद बन, कल भी आपने दर्शन दिया था, बड़ी कृपा की है। हम क्या बोले? अच्छा अच्छा, स्वर्ग द्वार है वो, हम स्वर्ग प्रमोद स्वर्ग द्वार की स्थान पर प्रमोद बन बोल गए तो महाराज जी ने सुधार किया। अभी तो आपने प्रमोद बन का सुधार किया है, तमाम चीजों का सुधार करना पड़ेगा। हमारे सखा रामलला निवास के महान जी राम लखन सरन जी महाराज, सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता 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 राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम
सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम। मैं जो नई नई बात आपको बताना चाहता हूँ बहुत दुर्लभ बातें शायद निकल गई तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, इसलिए सबसे क्षमा प्रार्थना करते हुए कुछ बातें एकाएक आ गई थी और वो आपको बताना बहुत जरूरी। मध्य माने मिडिल, आजकल बड़ा दुर्भाग्य है हिंदुस्तानी इंग्लिश वाला शब्द समझ लेता हिंदी वाला नहीं समझता। मध्य माने बीच। अब बीच वाला जो चीज कोई भी स्थान होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जैसे जहां बैठे हैं जिस लोक में ना धरती लोक ये भी बीच का लोक है, सत्यलोक जललोक तपलोक भूलोक भोरभोलोक महरलोक फिर धरती सुताल बिताल तलातल जितना ऊपर उतना नीचे ये मिडिल है। और यहाँ इतने बीज इकट्ठा हो गए कि ते ही छन मध्य राम धनु तोरा अभरे भुवन धुनि घोर कठोरा। इतने जोर की कड़कड़ाहट हुई क्या उस धनुष में मिसाइल फिर थी? ये कोई मजाक का विषय नहीं क्या? उसमें कोई अणु परमाणु फिर था? सनातन धर्म के बारे में कई लोग टीका टिप्पणी करते हैं, आप जवाब देने लायक हो जाओ, मैं वो कथा आपको सुना रहा हूं। आपके धर्म के बारे में कोई टिप्पणी करे तो आप उसको मुंहतोड़ जवाब दो। वो बड़े ही उत्कृष्ट वैज्ञानिक तरीके से धनुष बनाया गया, नहीं तो क्या किसी की हड्डी से धनुष बन सकता है क्या? महात्मा दधीच की हड्डी से ब्रह्म विद्या व्रत के प्रभाव से वो हड्डी वज्र की हो गई थी। उसी को बीज से तोड़ा, नहीं तोड़ने को तो एक फुट किनारे भी तोड़ देते तो कहते वो तोड़ना थोड़ा हुआ। जनक जी ने थोड़े कहा था बीच से जो तोड़ेगा उसके गले में सीता जी माला, उन्होंने तो तोड़ने के लिए कहा था, तो तोड़ना तो एक फुट भी किनारे से होता है। लेकिन नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं कि तेहचन मध्य राम धन तोरा, बीचों बीच तोड़ा, एक बीच दूसरा बीच न आकाश में तोड़ा न पाताल में तोड़ा, बीचों बीच धरती लोक में तोड़ा, इसलिए मध्य राम धन तोड़ा। नंबर तीन, राम हुए हैं तीन। सबसे पहले राम हुए परशुराम, और सबसे बाद में जो राम हुए वो हुए बलराम, अब बीच वाले जो राम हुए वो अयोध्या वाले दशरथ नंदन श्री राम। ना परशुराम जी ने तोड़ा ना बलराम जी ने तोड़ा, बीच वाले जो दशरथ नंदन राम है उन्होंने धनुष तोड़ा, इसलिए तेहचन मध्य राम धन तोड़ा। नंबर चार, तेहचन मध्य राम धन तोड़ा। इधर भी लोग बैठे थे, इधर भी लोग बैठे थे, इधर भी बैठे, एक गोलाकार था और बीच में राम जी खड़े थे। इधर वालों ने भी नहीं, इधर वालों ने भी नहीं, बीच में जो खड़ा था उसने तोड़ा, तेहचन मध्य राम धन तोड़ा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। और इनके साथ भी तीन थे, आगे आगे विश्वामित्र, पीछे पीछे लक्ष्मण जी, न आगे वाले विश्वामित्र जी ने तोड़ा न पीछे वाले लक्ष्मण जी ने तोड़ा, बीच में जो चल रहे थे ना राम जी उन्होंने तोड़ा। तेहचन मध्य राम धन तोरा कि तेहचन मध्य राम धन तोरा, तेहचन मध्य राम धन तोरा, तेहचन मध्य राम धन तोरा, भरे भुवन घुट घोर कठोरा, भरे भुवन घुट घोर कठोरा। मतलब सभी भुवनों को सभी लोगों को वो गड़गड़ गड़गड़ की आवाज हुई, वो पार हो गई। अरे बहुत भारी बम गोला अगर यहाँ दगे तो लखनऊ में थोड़े सुनाई पड़ेगा, लेकिन वो धनुष ये गोस्वामी जी की अतिशयोक्ति नहीं है,
और ज्यादा समझना है धनुष को तो गीतावली रामायण का एक छप्पा सुना रहा हूं। समुद्र सर प्याल स्वामी जी की रचना किसको टाइम में पढ़ने पड़ा है दबा बेचारा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण छप्पे है। मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा इसकी व्याख्या आप जरूर सुने, शायद मैं भी ना सुना पाऊं बाद में, हर मंच पे नहीं सुना पाता, यहाँ आ गया तो सुनाए दे रहे। सुरेंद्र जी आशीर्वाद है। गजंदन रखरत परत दस कंद मुख भर चोर हिमबान भान संकट दिगत उर्वियत गुर्व सर्व पप्पय समुद्र सर व्याल वधर कह काल विकल दिग पार। अब मैं इसका अर्थ बताने जा रहा हूं, इसका भावार्थ बता। दिगत माने डगमग, डगमग होने लगी, बोलो जैसे भी जोर से ऐसा बोलो कि कुर्सी तो डगमगाई जाए। पृथ्वी डगमगाने लगी जब धनुष टूटा, वो अणु परमाणु का संकलन था। विगत उर्वी, उर्वी माने पृथ्वी, संस्कृत में उर्वी कहते हैं पृथ्वी को, पृथ्वी डिगने लगी। विगत उर्वी अति गुर्वी, पृथ्वी कैसी है अति गुर्वी, अत्यंत गरु है, अत्यंत भारी है, ऐसी पृथ्वी विगत। विगत उर्वी अति गुर्वी सर्व पब्बय, ये प्राकृत भाषा का शब्द है, पब्बय माने पर्वत, सर्व पब्बय समुद्र सर, ये सब फनाने लगे। जब रघुनाथ ने धनुष तोड़ा, सुनते जाइए बड़ा अद्भुत छप्पे है। विगत उर्वी अति गुर्वी सर्व पब्बय समुद्र सर व्याल बधिर, व्याल माने बताओ भाई बताओ, हाँ व्याल माने सर्प। सर्प को आप कई नामों से, उरग व्याल सरी सर्प आशीविस भोगिन, ये सब सर्प के पर्याय। तो सांप बहरा हो गया, कौन सांप बहरा हो गया, जिसके 1000 फड़ थे, बोलो शेष भगवान की, बहरा हो गया। व्याल बधिर तो लिखा है, कुछ लोग कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, भैया कि सांप के तो कान होता ही नहीं है, उनकी रिसर्च सही है। सांप के कान जैसे आपका चश्मा चढ़ाने वाला कान है ना, वो चश्मा का डंडा फंसाने वाला कान, ऐसा कान सांप के नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो सुनता ही नहीं। श्रीमद् भागवत में एक सांप का बड़ा मशहूर प्रसंग है, दशम स्कंद के 16वें अध्याय में कालिया नाग प्रसंग। तो कालिया नाग को श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में चक्षुश्रवा शब्द से संबोधित किया है भगवान सुखदेव। चक्षुश्रवा माने होता है जो आंख से ही सुनने का काम करता है, उसके कान अलग से नहीं होता, उसकी आंख में ही कान सेट होता है, उसी आंख में एक में कान भी होता है, उसके पर्दे में धमक से वो सुनता है। तो भगवान शेष के 2000 कान धनुष टूटने की ध्वनि सुनकर थोड़ी देर के लिए झंझना गए। छप्पे में लिखा है, व्याल बधिर तेह काल विकल दिग्पाल चराचर।
लड़खड़त लड़खड़त माने लड़खड़ाने लगे, दिग्गज डोलने लगे। पारत दस कंध रावण मुंह के बल गिर पड़ा। रावण भी वही था, हमको लगता उसी बात भाग गया। परत दशकंद मुख भर सुर विमान हिम भान भान, देवताओं के विमान हिम भान भान। ये तो प्रलय का वातावरण हो गया। संघटत परस्पर चौके विरंचि, ब्रह्मा जी तो चौंक गए, ये क्या हुआ। चौके विरंचि शंकर चौंक गए, शंकर सहित कोल कमट आहि सब कलम लो। और ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुन, जब ही राम शिव धनु दल्यो। बोलो जय श्री हरि। ठीक रहा, ये बड़ा दुर्लभ छप्पे है। ये ऐसे वातावरण में मेरे रघुनाथ जी ने धनुष तोड़ा भैया, संतों ने गाया, हमारे कथा प्रेमियों ने गाया, महापुरुषों ने गाया। अरे धनुष श्री राम ने तोड़ा था जब लैले कार के, धनुष श्री राम ने तोड़ा था जब लैले कार के, धनुष श्री ललकार के आगे। सभी राजा थे शर्माए, सभी राजा थे शर्माए, सभी राजा थे शर्माए, सभी राजा थे शर्माए। ये धनुहा धार के आगे, धनुहा दरबार के आगे। धनुष श्री राम ने तोड़ा था जब ललका आगे, जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। ऐसे बड़े दिव्य वातावरण में भगवान राम जी का विवाह हुआ, सब पुण्य होता गया भैया। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण में सब संतों महापुरुषों का निमंत्रण आया था, मैं भी गया होता लेकिन मैं यहाँ निमंत्रण में फंसा हुआ। वैसे महाराज जनक ने इंद्र को कुबेर को वरुण को यम को दिक्पाल को सबको न्योता भेजा, और उनकी जनक जी की तरफ से हमने आप सबको न्योता भेजा था। कल मिला कि नहीं मिला? मिल गया। ठीक। तो इंद्र महाराज अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर के जनकपुरी में आए। एक बहुत बड़ा महल है, इतना बड़ा महल है कि इंद्र भ्रमित हो गए।
वहां के द्वारपालों से बोले, भैया महाराज जनक को सूचना दे दो कि उनके मित्र इंद्र उनके बेटी के विवाह में आए हैं। द्वारपाल बोला, इंद्र महाराज क्षमा करना, ये जनक जी का महल नहीं, उनके बाल काटने वाले का महल है, मतलब नाई का महल है, कोई कपड़ा धोने वाले का महल है, कोई किसी का महल है। हमारे यहाँ एक भ्रांति है, नीच शब्द जो है उसको लोग बड़ा गंदा मानते हैं। नीच शब्द कोई गंदा शब्द नहीं है, नीच माने छोटा, जैसे दो अंगुली मेरी देखो, इसमें नीची कौन है, पहली वाली ना, तो क्या है गंदी अंगुली है, ये गुरु की अंगुली, नवग्रहों में गुरु का गुरु की अंगुली, ये नीची हुई ना, बस तुलसी बाबा ने तुरंत लिख दिया, कुछ लोगों ने हमको घेर लिया, ये नीच नीच क्या है, हमने कहा नीच माने छोटा। कि राम जो सब पता नीच ग्रह सोहारा, राम जो सब पता नीच ग्रह सोहारा, राम सो मिलो कि सुर नायक मोहारा, राम सो मिलो कि सुर नायक मोहारा, राम जो संपदा नीच ग्रह सोहा, राम जो संपदा नीच ग्रह सोहा, राम राम सो मिलो कि सुर नायक मोहारा। जो संपत्ति जो व्यवस्था जो महल जो मकान सेवकों के घर में था, उसको देख करके तो इंद्र महाराज भ्रमित हो गए। आप लोग जिसको अपनी भाषा में कहते कंफ्यूज हो गए कि जनक का महल कौन है और कपड़े वाले का महल कौन है। लौकिक वैदिक रीति के साथ विवाह हुआ, विवाह को आजकल के विवाह संस्कार को यदि सबसे गंदा किया है, ए भाई सबको हर साल एक दो साल बाद एक आध विवाह करना होता है, विवाह को जानते हो सबसे अधिक गंदा किसने किया, कौन सा काम समाज में इस समय फूहड़ हो रहा है जो विवाह जैसे एक वैदिक बंधन को गंदी नाली के पानी के समान गंदा किए दे रहा है, उसको कहते हैं लोग दहेज। पहली बात, दहेज तो हिंदी का शब्द नहीं है, ये उर्दू का शब्द है। दहेज की परंपरा हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ उपहार की परंपरा थी। उपहार बिना मांगे, जैसे मैं आपके यहाँ भोजन करने जाऊं तो कह दूं मुझे 5100 दक्षिणा जल्दी दो, नहीं तो मैं पूरी लिए बैठा हूं खाऊंगा नहीं। बाबा क्या यार, ये दहेज जनक जी ने भी दिया था, वो बिना मांगा वाला दहेज था। एक दृष्टांत मैं कहा करता हूं, पहले जितने लोग बारात में जाते थे फौजी साहब, आजकल लड़की देखने उतने लोग जाते हैं, और जितने लोग जितने भी लोग लड़की देखने जाते हैं वो इतने मूर्ख होते हैं कि उन्होंने अपने को भी कभी जिंदगी में नहीं देखा, वो दूसरे को देखने। सासू जी तो इतना मेकअप किए हुए हैं कि कभी बहू नहीं करी, मेकअप देखो दादी ने क्या बाल कलर कर रखा, क्या एक दूसरे पर टीका टिप्पणी हो रही है, सब एक दूसरे पर कमी निकाल रहे हैं। प्रेमियों, समाज में कमी निकालने वाले बड़े खतरनाक लोग होते हैं, ये कभी आईने में अपने को नहीं देखते। नरसिंह जी एक शेर बोल रहे थे, आईना झूठ बोलता ही नहीं, कभी अपनी तरफ घुमाओ। सब लड़की देखने गई मौसी मासी, मासी कितना बढ़िया शब्द, मासी माने माँ जैसी, सी माने जैसी, उसी को हमारे मौसी कहा जाता है, ओ मासी राजस्थान में शुद्ध शब्द मासी, मासी माने माँ के समान। मासी भी गई थी, कई मौसी थी, कोई कोई तो मासी भी बड़ी खतरनाक होती, बुआ भी गई, लड़की देखने गए। थोड़ा एक घटना बता दूं, सासू जी भी गई, सासू की भी बहन गई, सब गई, लड़का भी गया था,
ससुर भी गए, सब कुछ ना कुछ पूछ रहे। किसी ने पूछा स्वेटर बुनना आता है, किसी ने हाँ आता है, किसी ने कहा अचार बनाना आता है, जी आता है। सासू जी की तो इतनी बड़ी मांग थी कि सुरसा का मुंह फैलता उनके मुंह के आगे। बोले लड़की हमें ऐसी चाहिए जो कम से कम 5 फीट 3 इंच से ज्यादा लंबी ना हो, दांत उसके बिल्कुल ऐसे बने हो जैसे नाप के बनाए गए। अच्छा, घर वाले सब सुन रहे, पढ़ी लिखी फैमिली थी भैया, अचार बनाना भी बढ़िया आता हो, रोटी ऐसी बनाती हो कि आंख में लगा लो तो चश्मे का काम करे, आर पार दिखाई दे। और खुद से चाहे बाजरे की रोटी नहीं बनती हो कभी। ऐसी लड़की होनी चाहिए कि गीत संगीत में बिल्कुल पारंगत हो, कम बोलने वाली हो, मैं दिन भर बोलूं लेकिन दिन में एक बार भी ना बोले, ऐसी लड़की मुझे चाहिए। अच्छा, मैके पक्ष वाले भी, पीहर पक्ष वाले भी लड़की से बोले, बिटिया तेरी सासू की तो बहुत तगड़ी मांग है, एकाध मांग तू भी अपनी भी ले ले तो ज्यादा ठीक रहे। लड़की खड़ी हुई, बोली सासू जी मेरी बहुत पढ़ी लिखी है, बड़ी बुद्धिमान है, उनके साथ जितने आए हैं वो सब अच्छे हैं, मेरी एक ही मांग है, वहां मेरी शादी हो जहाँ सास नहीं हो, बस खत्म करो कहानी झंझट। ये लफड़ा, ये झंझट से हमें पाला नहीं पड़ना। लेकिन एक सासू अयोध्या की है प्रेमियों, जो एक घंटा पहले से थाली में दीपक जलाए अपनी बहुओं की प्रतीक्षा कर रही है। भारत की सभी सासू अयोध्या की सासू की नकल करना सीख है। बड़ा अद्भुत विवाह हुआ रे भैया, ऐसा मौरी। अरे आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरी निहाल सखिया, आज मिथिला नगरी निहाल सखिया, आज मिथिला नगरी निहाल सखिया, हो चारों दुल्हा में चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया, माथे मड़ी मऊरिया सोहे देख रूप सुंदर मुनि मोहे, माथे मड़ी मऊरिया सोहे रूप देख सुंदर मुनि मोहे, माथे मड़ी मऊरिया सोहे देख रूप सुंदर मुनि मोहे, माथे मड़ी मऊरिया सोहे देख सुर नर मन मोहे, कि जिनके लाल लाल शंकर भगवान बोले, अरे पार्वती आंख बंद करके इस दूल्हे को देखो, तीनों लोगों में कभी कोई ऐसा दूल्हा नहीं बनाता, कि जिनके लाल लाल जिनके लाल लाल चंदन सोहे भाल सखिया, वो जिनके लाल लाल चंदन सोहे भाल सखिया, विचारो दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दूल्हे कमाल के में बड़े का कमाल सखिया, विचारो दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दूल्हे विवाह हुआ था, उनकी ससुराल कहां पे थी? मिथिला में। वो अभी नेपाल में है, हालांकि
तो ये वही की बधाई है, ये वही का गीत। और राम जी के विवाह में पूरे भारत की माताएं, पूरे भारत की सखियां सहेलिया सरायो जी ए बनी थारो नवल बनो, नवल बनो, नवल बनो। सभी सहेलियां, जल्दी किसी की सहेली किसी के पति की प्रशंसा बहुत कम करती है, लेकिन वो प्रशंसा कर रही कि लाल लाल चंदन जिनके मस्तक पर मिथिला की बधाई, मिथिला की गीत में, अरे जिनके लाल लाल चंदन सोहे भाल सखिया। आपस में सखिया बातचीत करती है, आज आज बड़ी दूर तक चलना है, हम सबसे क्षमा प्रार्थी हैं, थोड़ी बात बता के आगे बढ़ेंगे। अरे सांवर सांवर गोर गोर की जोड़िया जहान रे, अखिया नाही दे अब नहीं सब। ऐसे चारों दुल्हनों को और चारों दुल्हनों को, चारों महारानियों को मिथिला की नारियां आंचल उठा उठा कर आशीर्वाद दे रही हैं, और आंखों से आंसू बह रहा है। क्या आशीर्वाद दे रही हैं कि जुग जुग जीवो तू, जुग जुग जीवो चारों जोड़ी बेमिसाल सखिया, 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 चारों दुल्हन में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हन में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हन ग्रहण संस्कार बड़े ही आनंद के साथ हुआ। जनकराज महाराज ने बहुत उपहार दिया, दहेज कहना मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। किसी का गला दबा करके लिया गया कोई धन उपहार नहीं हो सकता, वो रिश्वत है, घूस। ये जितने जिनका जिनका लड़का 18-18 साल का हो गया, सब घूस लेने के लिए मुंह फाड़ के बैठे और कहते हैं अधिकारी घूस न ले। अरे जरा शीशे में अपने को देखो, कोई 18 लाख मांगने को तैयार है, कोई फॉर्च्यूनर मांगने को तैयार है, और कहीं कहीं कोई कर्मचारी यदि 500 रुपए सरकारी ऑफिस में ले लिया तो हल्ला मचाने के लिए तैयार खड़े, और खुद 18 लाख मांग रहे, कहां तक जाए। हमारे फैजाबाद कचहरी से सिविल जज के पेशकार श्री मुन्ना मिश्रा जी सब परिवार आए हैं, एक बार जरा ताली बजा करके उनका स्वागत करेंगे। और कई दिन बात हुई मिश्रा जी से, तो आज आप आ ही गए, आज रविवार है भी, बड़े व्यस्त रहते हैं, देखा है इतना व्यस्त रहते हैं, आज रविवार था इसलिए हमको लगता है छुट्टी मिल गई, बड़ी फाइलें रहती हैं कोर्ट में, तो आज आप आ गए हैं, बहुत अच्छा। बहुत विभूतियां हमारे बीच में है, वो सब सम्माननीय है। जनक जी ने क्या उपहार दिया, क्या दहेज, चलो आपकी भाषा में थोड़ा दहेजे कह देते हैं, है ना, क्या दिया जरा देखिए, जरा आजकल की बहू क्या क्या लाती है, आजकल विवाह में क्या मिलता, गोदरेज की अलमारी, लोहे का बक्सा, स्टील की थाली, स्टील का गिलास, टोटल लोहा। आप लोग कहते हैं लोहे में शनि देव का वास होता है, अरे पहले बर्तन भी मिलते थे, फूल के मिलते थे, चांदी के मिलते थे, जरा जनक राज जी महाराज ने क्या दिया है, अपने समधी दशरथ जी महाराज को क्या दिया है।
गजरथ तुरग हाथी दिया है। आजकल तो हाथी का फोटो बढ़िया खोजने लगो तो बाजार में मिलना मुश्किल हो जाएगा। एक हाथी अगर कहीं पहुंच जाए तो गांव का गांव खाली हो जाएगा। बोलो जय श्री हरि। कहा हाथी दिया गज और माँ कामाख्या देवी यहाँ से 50-55 किलोमीटर गोमती नदी के तट पर सिद्ध पीठ है। सिद्ध पीठ जहाँ पर मैं कक्षा 10 तक पढ़ा भी हूँ और मेरा वहां ननिहाल भी है। और वहां जाकर के जो भी एक बार हाथ जोड़ लेता है वो आज शक्ति की भूमि है। वहां के पुजारी श्री मनोज मिश्र जी उतनी दूर से आए हैं कथा में। जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत करेंगे। राजेंद्र प्रधान जी सिकरी सुल्तानपुर से, विनय जी, सभी लोग, मैं सबको देख लेता हूँ। सब सब साधुवाद धन्यवाद के पात्र हैं। जनक जी महाराज ने जो दिया, कहा गज हाथी दिया गज रथ तुरग। रथ तुरग मैंने घोड़े। घोड़े को संभालना बहुत जरूरी है। एक घोड़ा जो नहीं संभाल सकता तो अंदर तो 10 घोड़े हैं। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। घोड़ा दिया, दास दासी दिए, गायों की सिंग में सोना मढ़वा कर दूध देती हुई गाय दिया है। ये नहीं गाय जब बीमार हो जाए तो किसी ब्राह्मण देवता को दान कर दो, उनके घर पहुंचते पहुंचते मर जाए। ये कोई गाय दान करना हुआ क्या? अरे दूध देने वाली गाय हो तो दान करें तो गोदान। इससे बढ़िया गाय का फोटो दान कर दो, दीवार पे चिपका लेंगे। ठीक है, धेनु अलंकृत। अरे भैया धेनु का सबसे बड़ा अलंकार क्या है? उसका दूध। काम दुहासी, एक तो दूध देने वाली है, एक तो सजाई हुई है। कंपाल बसान विचित्र पटोले कंपल बसन विचित्र पटोले कंपल बसन विचित्र पटोले कंपल बसन विचित्र पटोले भांति 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 बहु मोल न थोरे गज रथ तुरग गज रथ तुरग करुदासी हेनु अलंकृत काम दुहासी हेनु अलंकृत काम दुहासी कनक पसन्न भरी भरी जान कनक बसन देना ही है तो थोड़ा ये लिस्ट देख लीजिए। कनक माने सोना। आजकल तो गहने सब किराए पे मिलने लगे, रोल गोल्ड के सब खर्चा कम हो गया। हमारे यहाँ बड़े बड़े कलाकार सोनी लोग बैठे हैं कि शायद हमारे लखनऊ में इनके टक्कर का कलाकार नहीं। एक अंगूठी बना दे तो देखते रह जाइए, इसमें झुंड के झुंड आए हुए हमारे केसरी मल जी हुए, हमारे कन्हैया लाल जी हुए, ऐसे बड़े बड़े कारीगर इनके यहाँ 8-10 कारीगर लगे रहते हैं। तो भैया देखो, कनक सोना दिया, कपड़ा दिया और थोड़ा थोड़ा नहीं दिया, भारी भारी जाना एक एक रथो रथ भर करके लाद के दिया। महिषी धेनु, महिषी मैंने तो भैंस होता है, धेनु मन गाय होता है, लेकिन महिषी एक गाय की कोटि का नाम है। महिषी भी एक गाय, गाय तीन तरह की होती है। जब गाय का दर्शन करना है तो जरा कृष्ण भगवान की झुंड में देखो, श्रीमद् भागवत में भी अजा गावो महिषस्य, उसमें तीन लिखा है। अजा माने तो बकरी होता है,
लेकिन नहीं, बकरी नहीं है ये, गायों की कोट गायों के प्रकार है। एक गाय होती जो अजा गाय होती है, जो बछड़े को जन्म नहीं दी होती उसको अजा गाय कहते हैं। और गाय वो है जो दूध देना बंद कर देती, बछड़ा बड़ा होता। और महिषस्य जो है, महिषी गाय वो है जिसका बछड़ा छोटा होता है और दोनों समय दूध देती है और बढ़िया दूध देती, वो महिषी धेनु है। तुलसी बाबा की लेखनी को कौन पहुंचेगा? बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। सर एक मुसलमान फकीर हमको मिला, बोला महाराज नमस्कार। हमने कहा नमस्कार जी। बोला मैं भी आपके तुलसी बाबा की रामायण पढ़ता हूँ। हमने कहा तो कैसा लगा? अरे बोले हम कहा तो तुलसी बाबा के बारे में कुछ बोलो। तो वो बोला मैं अपनी भाषा में बोलूँ, बोलो। तो क्या बोला मुसलमान फकीर, क्या बोला? तुलसी बाबा के बड़े फैन है दूसरे धर्म के लोग। उसने कहा कि महकता है जमाने में, अरे अजब गुलजार तुलसी का, मुकाबिल हो नहीं सकता कोई फनकार तुलसी का, मुकाबिल हो नहीं सकता अरे कोई फनकार तुलसी। मुकाबिल माने कोई मुकाबला नहीं है, कोई टक्कर नहीं है तुलसी में। जो लिखते महिषी धेन, ऐसी गाय दान की है जनक ने जिसके नीचे बछड़ा पी रहा है। कभी जिंदगी में मौका लगे तो ऐसी गाय दान करना, मुझे भले मत देना दूसरे को देना, किसी को देना ऐसी दे। और नहीं तो एक चांदी का सिक्का दे देना गौदान के नाम पर, स्टील वाला मत देना, ठीक है? ये सब दान दहेज हुआ है भैया, समय आ गया विदाई का। बारात का स्वागत बहुत बढ़िया किया जनक जी महाराज ने। विदाई होने लगी है, अपनी राजसी पगड़ी को उतार कर भगवती सीता के पिता जनक जी ने दशरथ जी के चरणों में डाल दिया। आंखों से आंसू बहने लगे। परम ज्ञानी जनक जीवन में जब कभी रोए नहीं थे, आज उनका शरीर थर 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 कांप रहा है। शंकर भगवान बोले हे पार्वती आंख बंद करो और झांकी देखो कि माँ की ममता चली। पगड़ी उतार कर चरणों में डाल दिया। किसने किसने? जनक, जिससे नारद के भी गुरु सुखदेव विद्या पढ़ने आते थे, ऐसे परम ज्ञानवान जनक आज दशरथ जी के चरणों पर गिर कर रोने लगे। बोले महाराज मेरे जीवन भर की वाटिका को आप उजाड़ कर ले जा रहे हो। अभी हमारी सीता प्रौढ़ नहीं हुई है, अभी नादानी है, इसमें अबोध है, हो सकता है कोई अपराध हो जाए तो हम आशा करेंगे कि आप इसे अपनी पुत्री समझकर इसका अपराध क्षमा कर देंगे। और मैं आपसे कोई आशा नहीं करता हूं महाराज, इतनी आशा करता हूं कि माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली, माँ की ममता चली, लक्ष्मी चली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली, प्यारी जनकी की अवध को चली, प्यारी वे जनकी की अवध को चली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली, प्यारी वे जनकी की अवध को चली, प्यारी प्यार बेटी कयासु लिए
ना सुने ना के हाथों की पुत्री चली प्यारी बेटी जनकी की अवध को चली प्यारी आमा की ममता चली घर की लक्ष्मी चली ममता चली घर की लक्ष्मी चली माँ की ममता चली घर की लक्ष्मी चली माँ की ममता चली घर की लक्ष्मी चली प्यारी बेटी प्यारी प्यारी बेटी पालकी चली जा रही है। तोता और मैना आपस में जनक महाराज के द्वार के जो सत प्रमाणम वेदम परत प्रमाणम वेदम का उद्घोष करने वाले वो भी सीता जी की पालकी में रख दिए गए। ऐसे जनक जी अपलक दृष्टि से अपनी पुत्री की पालकी को देखते जा रहे हैं। अब पालकी मिथिला से अवध की तरफ धीरे 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 चली आ रही है। मंत्रियों ने जनक जी को पकड़ा, महाराज 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 अब उधर मत देखो, महल की तरफ चलो। जनकपुर में सन्नाटा छा गया है लेकिन अयोध्या में नगाड़े बजने लगे, सहनाइयां बजने लगी, मृदंग बजने लगे। अयोध्या में दीपक जला दिए गए, पुष्प वर्षा होने लगी, वेद के मंत्रों का उच्चारण होने लगा। हरे ओम सहस्रा से रघा वरुणा दादरा जहा दादरा बाद सभो विगो सर्वद सर्वद निषद जांगुलम मा बुरखे वेद गम सर्वं निर्भो जगन च भाव्यम मा भूता प्रदुदसे सानो यदन्नेना देवो। ऐसी अयोध्या नगरी का दर्शन करने लायक, चारों तीनों सासुएं सोने की थाली में दीपक जलाए खड़ी हैं। भगवती सीता की पालकी अयोध्या में उतरी है, सासु आरती उतारने के लिए बहू की खड़ी है। मैं इन सासु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो सबसे पहले ये बहू की आरती उतारती है, उसके बाद जिंदगी भर बहू इनकी आरती उतारती। माहौल बदल रहा है, रस बदल रहा है। कोई हंसा नहीं क्योंकि सब गमगीन। आरती उतारने का समय आ गया। तीनों सासु माता आरती करे। मैं गीतावली रामायण में चल रहा हूं, जल्दी गोस्वामी जी की पावन कलम इस आरती को लिख रही है। तीनों माताएं चारों बहुओं की आरती उतार रही हैं। अरे आरती करे माता मुनि धर्मर, आरती करे माता आरती कर रही, आरती करे डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी बड़े परम समाज सेवी हैं। डॉक्टर साहब इतने दयालु हैं, मैं परिचय करा दूं। मैंने 200 मरीजों को देखा जिनके पास पैसा। अच्छा ठीक है जाओ जाओ जाओ। अरे दवाई का पैसा तो दोगे, बोले डॉक्टर साहब वो भी ना। अच्छा बोले जाओ भी, वो तो दे देना, कोई बात नहीं। जोरदार ताली बजाए।
और जितने डॉक्टर हैं उतने सनातन धर्म में आस्था है। श्री साकेत धाम चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी जो जिन्होंने भी बहुत बड़ा नया हॉस्पिटल बनाया है सुजागंज जनपद अयोध्या ही है बाराबंकी का बॉर्डर। राजा राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता तीनों सासुओं ने श्री कौशल्या जी ने श्री कैकेयी जी ने श्री सुमित्रा जी ने सी मांडवी उर्मिला और सुरत कीर्ति चारों बहुओं की आरती उतारी है। माता कौशल्या तो इतना प्रसन्न हो गई उन्होंने सोचा कि मैंने तो कभी कल्पना नहीं की थी कि मेरे घर में ऐसी बहू आएगी। इतना सुंदर रूप बनाए नहीं बनता। ये फेयर एंड लवली वाले चाहे जितना हल्ला मचावे कि हम 6 महीने में गोरा कर देंगे ये आपको ठगने की तैयारी में है। अगर उनसे गोरा होते कोई गोरा होता होता तो सबसे बड़ी सप्लाई उसकी अफ्रीका में होती जहां काले काले लोग होते। कोई बात नहीं ये मन का भ्रम है। माता श्री कौशल्या ने सोचा कि मैं दूं क्या। मुंह देखने के बाद मुंह दिखाई हीरे की माला मिलाई तो हीरे की माला लाई और भगवती सीता के मुखमंडल से तुलना किया तो वो भी फीकी लगी। सोने का मुकुट भी फीका लगा सब कुछ फीका लगा। निवेदन है एक बार पानी पिला दे फिर 1 घंटे तक ना पिलावे। 1 घंटे तो चलता है। चलो चलो कोई बात नहीं आधा आधा घंटे में पिला दे ठीक है ना। कुछ समझ में नहीं आया कि माता श्री कौशल्या क्या दें अपनी बहू को मुंह दिखाई में। बगल में राम जी खड़े थे। माता श्री कौशल्या ने राम जी को बुलाया बोले बेटा इधर आओ। राम जी का हाथ पकड़ा और राम जी का हाथ पकड़ करके भगवती श्री सीता के हाथ में पकड़ा दिया बोले बिटिया इससे बड़ा धन मेरे अयोध्या में दूसरा नहीं है तेरी मुंह दिखाई में मैं दोबारा इसे लेती हूं इससे बड़ा कोई धन नहीं। एक छंद सुनाता हूं किसी राम का नाम हृदय में धरो। ये छंद आप सब लिख लीजिए मैं लिखवा दूंगा। हर सिया राम का नाम हृदय में धरो न सड़े न गले नहीं हो तो पुराना और दिन दूना बढ़े और कबहू न घटे और नहीं आग लगे नहीं चोर चुराना कि जिनके ही में सिया राम बसे और तिनके डर से जमराज डराना। सबसे बड़ी बात क्या है कि सबके घर में सबके घर में धन द्रव्य बसे लेकिन तुलसी धन राम के नाम खजाना। सबके घर में धन द्रव्य राम जी का हाथ पकड़ा और सीता जी के हाथ में पकड़ा दिया बोले बिटिया ये तेरी मुंह दिखाई। कौशल्या माता ने तो बहुत आसानी से छुट्टी ले लिया भैया। दूसरा नंबर था सुमित्रा जी का मैंने दूसरी बारी थी लक्ष्मण के माँ की लेकिन वो तो बेचारी घबरा गई। बड़ी वाली राम महारानी जी की बुद्धि नहीं काम कर रही है सो मेरी क्या करेगी मेरे पास तो राम जैसा कोई बेटा भी नहीं है। वो खिसक करके कोने में चली गई और नंबर आ गया कैकेयी जी का। आना था तीसरे नंबर पर आ गई दूसरे नंबर पर। वो बड़ी चतुर बड़ी बुद्धिमान कैकेयी कैकेयी जी को लोग आगे लाए आओ 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 बहू का मुंह देखो कैकेयी तो कैकेयी। सीता जी का मुखमंडल माता श्री कैकेयी ने जब देखे बोले बेटा तेरे सौंदर्य की प्रशंसा तो सरस्वती नहीं कर सकती। कैकेयी बोली मैं क्या करूं
और ये भी बात सही है कि तुझे मुंह दिखाई में देने के लायक भी मेरे हम लोगों के पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पति श्री चक्रवर्ती सम्राट महाराज एक महल बनवा रहे हैं मेरे लिए, उसका काम पूरा हो गया है, लेकिन अभी उसमें रहना नहीं प्रारंभ हुआ। सोने के पत्तों से, हीरे के नगीनों से, चंदन की लकड़ियों से सुसज्जित वो महल बनकर तैयार हो गया है। उस पे अक्षर भी खुद गए हैं, कनक भवन। कौन कौन गए कनक भवन? हाथ खड़ा करिए। एक बार जरा इन्हीं हाथों से अपने लिए ताली बजा लीजिए। कनक भवन जो गया, ओ क्या बात है, वो कनक से कम नहीं है। वो कनक भवन बिटिया, तुझे मुंह दिखाई में देती हूँ। ये हजारों लाखों लोग, कोई राजस्थान से आएंगे 1000 लोग, पंजाब से कोई 1000 आएंगे, कोई कहीं से आएगा, जो तेरे त्योहरी पे मत्था टेकेगा, मैं आशीर्वाद देती हूँ बेटा, तेरी ठंडी नजर जिसके ऊपर पड़ेगी उसके मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। माता श्री कैकेयी ने श्री सीता जी को कनक महल दे डाला। हमारे आनंद स्नेही अयोध्या के गौरव, हिंद के श्री पहलवान बाबा श्री हरशंकर दास जी महाराज के कृपा पात्र, हनुमानगढ़ी के महंत बाबा श्री बलराम दास जी महाराज अपना मूल्यवान समय देकर के हमारे बीच पधारे। इस समय बड़ी दौड़ भाग में है आप, तीन तीन चार चार स्थान है, और इस कार्यक्रम में आपका बड़ा अपार सहयोग रहा है। महंत श्री बलराम दास जी कीर्तन कराओ, थोड़ा कीर्तन कराओ। महान श्री बलराम दास जी जोरदार ताली बजाए। हरे रामा रामा राम। इसमें राजस्थान से जो कुछ लोग आए हैं, बहुत लोग परिचित हैं मान जी से, जिसमें आदरणीय पवन कुमार धूत साहब परिचित हैं, बैठे हैं, जीतू भाई हैं, हमारे ओम जी चेयरमैन साहब बैठे हैं, सब जानते हैं आपको, और आप हमारे अभिन्न हृदय और हमारे बड़े स्नेही मित्र हैं। बाबा बलराम दास जी महाराज श्री हनुमानगढ़ी पधारे हैं। मेरे राम राम मेरे राजा राम, राम राम मेरे राजा राम, राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम, राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम। ये बड़ी दुर्लभ चीज है, जल्दी नहीं मिलती। अभी महान जी ने लगाया मुझे, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों की महावीरी है। हम अब ले जा रहे थे लेकिन हमने छीन लिया, ले जाने के चक्कर में थे, ले नहीं जाने देंगे। चलिए माता श्री कैकेयी ने दोनों हाथ उठाकर, अरे हमारे कितने भाग्यशाली, आपके भाग्य को देख के मेरे को जलन हो रही। जितना आपने दर्शन कर लिया अयोध्या में रहकर मैं नहीं कर पा। सही बता तो वही याद आ रही बात, बेटा तेरे द्वार पर तेरी चौखट पर जो भी सर झुका देगा, अब तू थोड़ी सी इसी नजर हिला देगी, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कैकेयी माता ने श्री किशोरी जी को कहा था जहां आप गए थे, अरे न मतलब हमें है, हम भी याद कर ले श्री किशोरी जी की, न मतलब। सब लोग मेरे साथ गाइएगा भाई, सब लोग मेरे साथ में किशोरी जी का स्मरण करें, जिनको मुंह दिखाई में श्री माता कैकेयी ने कनक भवन दे डाला था। कि न मतलब हमें है जगत में किसी से, गरज है किशोरी, गरज है किशोरी से, गरज है किशोरी जी हमें आप ही, गरज है किशोरी हमें आप ही, गरज है किशोरी जी हमें आप ही से, भला कैसे होता है दुखिया का जीवन, भला कैसे होता है दुखिया का जीवन, भला कैसे होता है दुखिया का जीवन,
है किशोरी गर्व है किशोरी जी अपने आप ही से जनक दुलारी श्री राम जो की प्राण प्यारी बंदम चरण रज सिय सुकुमारी के गरज है किशोरी गरज है किशोरी किशोरी गरज है किशोरी हमें आप ही से गरज है किशोरी जी हमें आप ही से न मतलब हमें न मतलब हमें जगत में किसी से गरज है किशोरी जी हमें आप ही से आप ही से चाहे स्नेह लाथिका चाहे स्नेह लाथिका चरण से लिपटना चाहे स्नेह लतिका चरण से लिपटना जुहोने को होगा जुहोने को श्री भगवती श्री सीता को माता श्री कैकेयी ने कनक भवन दे डाला मो दिखाई में अब तो सुमित्रा जी से लोग बोले बच जा बाप आपकी बारी है बाप भाग नहीं सकती चलो 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 अपनी बहू का दर्शन करो और जो बने मुंह दिखाई दो माता श्री सुमित्रा डरती डरती साक्षात तेज की प्रतिमूर्ति लक्ष्मण और शत्रुघ्न की मां जैसे मुंह देखा भगवती सीता का सुमित्रा माता बोली बेटा कौशल्या जी के एक बेटा है कैकेयी जी के भी एक ही है मेरे दो हैं हालांकि बात सही है कि तुझे देने जैसा कुछ किसी के पास नहीं ए लक्ष्मण इतने में लक्ष्मण जी खड़े थे दूर खड़े खड़े लक्ष्मण ये दृश्य देख रहे थे सरकार की जय हो किसी के पास कुछ नहीं लक्ष्मण जी का सर पकड़ा माता सुमित्रा ने बोले बिटिया मेरे दो बेटे हैं लेकिन आज से
अपने इस बेटे के सर पर से मैं अपनी माँ का आंचल सदा के लिए हटा ले रही हूँ। आज से ये तेरा बेटा है और सदा के लिए दे रही हूँ। पकड़ के जैसे फूल चढ़ाया जाता है ऐसे चढ़ा दिया। बोले जीवन में कभी मैं तेरे से नहीं मांगूंगी कि लक्ष्मण को मुझे दे दे, ऐसा कह कर सुमित्रा रोने लगी। सारी सभा सन्न हो गई, अस्तब्ध हो गई। सुमित्रा जी बोली बेटा मैं कभी तेरे से अपना बेटा नहीं मांगूंगी, तू कहीं जीवन भर के लिए जाना तो लक्ष्मण तेरे साथ चला जाएगा। मैं आपसे एक बात कहा करता हूं कि लक्ष्मण जी राम के पीछे पीछे पर नहीं गए थे। किसके पीछे पीछे गए? सीता जी के पीछे पीछे पर गए, क्योंकि लक्ष्मण की मां ने सीता जी को आजीवन दान कर दिया था। जितना लक्ष्मण काम आए सीता के जीवन में किसी माँ का बेटा कभी काम नहीं आया। जब तक लक्ष्मण धरती पर रहे सीता जी को केवल माता कहा और सर झुकाए रहे। लक्ष्मण पानी ला बेटा। जी माता जी। दंडकारण्य में कंदमूल ला लक्ष्मण। लक्ष्मण कंदमूल लेके आए। अरे लक्ष्मण अभी झाड़ू नहीं लगा। उठाया झाड़ू पूरी पंच पूरी कुटिया में आश्रम में झाड़ू लगाया। हमारे बगल की बिल्कुल बगल में पूर्व सांसद श्री विश्वनाथ दास शास्त्री जी महाराज की कृपा पात्रा, दर्शन भवन की महंत डॉक्टर ममता शास्त्री जी पधार चुके हैं। जोरदार ताली बजाकर आप सम्मान करें। बहुत बड़ा आप हमारा ध्यान रखती हैं। जय हो जय हो जय हो। पहला कार्यक्रम अयोध्या में हुआ था। डॉक्टर ममता जी ने उसमें भी बड़ी पूछताछ हमसे रखी। व्यास जी कोई बात हो तो बताइएगा। बहुत बढ़िया स्थान है, कई कमरे हैं ऊपर नीचे। ये बगल में आप रोड पे देखेंगे चमचमाती हुई ठाकुर जी की मूर्ति। जरा जोरदार ताली बजाएं। जितना काम लक्ष्मण भगवती सीता के आए उतना शायद कोई बेटा नहीं आया, कोई पुत्र नहीं आया। ये भगवान की विवाह की लीला संक्षिप्त रूप से हमने आपको कह सुनाई। भगवान श्री रघुनाथ 12 वर्षों तक विवाह के बाद अयोध्या में निवास किए। चक्रवर्ती चूड़ामणि राज राजेंद्र महाराजा अधिराज दशरथ, वेदों के विद्वान त्रिकालदर्शी दीर्घदर्शी वाल्मीकि रामायण कहती है तस्या पुर्याम अयोध्यायाम। बता चुका मैं आपको वेदविद सर्वसंग्रह दीर्घदर्शी महावेदा पौरजान पद प्रिय इच्छा पूर्णाम तीर्थो वाल्मीकि रामायण में लिखा। ऐसे दशरथ जी महाराज अतिरथी वीर। आज 60,000 30 या 32 वर्ष के हो गए। कान के पास के बाल थोड़े थोड़े सफेद हो गए। शीशा देखा वही कैसे है, आईना झूठ बोलता ही नहीं। कैसे पूरा चाहे सोने के फ्रेम में मढ़वा दो लेकिन आईना झूठ बोलता ही नहीं। श्रवण समीप भय सित के 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 मनहु चरथ पनयस उपदेश श्रवण समीप राय सुभाय मुकुर कर लीना। राय सुभाय सुभाय माने स्वभाव बस कोई
शौक से नहीं देखा था। एक बार सावधान हो जाओ, अपनी अपनी कुर्सी पकड़ लो। एक बार धोखे से स्वभावश शीशा देखने वाला तुरंत सिंहासन से उतर गया। आप लोग तो भैया दिन में 24-25 बार शीशा देखते हैं, लेकिन कभी सुधरने का नाम नहीं लेते। एक बार शीशा 25 बार क्या ज्यादा ही देखते होंगे जी। बहुत घर में तो महीना में 4 बार ब्यूटी पार्लर जाने के लिए लड़ाई होती है। मैं समझा के आता हूँ, ये सब गलत बात। हाँ, आधे केस मेरे पास ब्यूटी पार्लर के झगड़े क्या थे। महाराज जी एक प्रॉब्लम, हमने कहा क्या, हम सोचे कोई ज्यादा बड़ी बात, इससे मैं कहता हूँ कि 4 बार ब्यूटी पार्लर न जाया करो, लेकिन ये तो खून पीने आपको नहीं करें। आप लोग तो ऐसे सबको ब्यूटी बांटते रहते हैं, जिसको कृपा कर देंगे वो रूपवान हो जाएगा। भक्ति में वधम है, घन गरज गरज क्या कहते हैं, ये बात मयूरों से पूछो। अरे भक्ति में कितनी मस्ती है, ये भेद फकीरों से पूछो। उन गुबरीली चौपालों में माखन का खाना क्यों भाया, श्री कृष्ण प्रेम में लीन हुए, ये उन्हीं हीरों से पूछो। उड़ते प्रकाश में परवाने, फूलों पर भंवरे मंडराते, थोड़े से भी क्या टूट सके, ये प्रेम जंजीरों से पूछो। प्रेमियों एक बार शीशा देखा तो मन में विचार आ गया कि नृप जुबराज अब राम कहूं देहूं, नृप जुबराज राम कहूं देहूं। हमारे अभिन्न स्नेही महंत पवन कुमार दास जी महाराज महामंत्री संत समाज अयोध्या पधार गए हैं। आप लोग जरा उनका भी स्वागत, पहली बार आए हैं, ताली बजाकर। भैया सफेद बाल पहले लोगों को दिखते थे तो राम याद आते थे। एक बड़ी बढ़िया बात बताने जा रहा हूँ, दशरथ जी को राम ही तो याद आए जब बाल सफेद दिखे। भाई साहब मेरे विचार से तो राम याद आने चाहिए। आजकल गोदरेज की डाई याद आती है जब सफेद बाल दिखते हैं, राम हम नहीं याद आता। दशरथ जी का सफेद बाल शीशे में दिखे तो नृप जुबराज राम कहूं दे, नृप जुबराज राम कहूं दे, जीवन जला श्रवण समीप, श्रवण समीप भाये सित के साथ मन हु जरठ पन असुपते, श्रवण समीप भय सित के साथ मन हु जरठ पन असुपते। महाराज ने कहा भाई पहले के समय में ये आज की बात नहीं बता रहा, आज के वातावरण के दूषित वातावरण में और हम लोग अपने घर के वातावरण को और दूषित किए दे रहे हैं। हमारा खान पान ऐसा है कि कान के पास नहीं एक साथ है पूरे बाल पकना शुरू। पहले जिनका खान पान उत्तम था धीरे 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 कान के पास के पकते थे। एक महात्मा कह रहे थे 5 परेत रसोई के निकाल के फेंको, सफेद नमक सेंधा नमक को रसोई मिलाओ, ये आयोडीन नमक को फेंको, सफेद चीनी को कम खाओ, गुड़ का प्रयोग करो, आयरन विटामिन तमाम तरह की चीजें, और खुली दाल। डॉक्टर कहते दाल बंद करो यूरिक एसिड बढ़ गई। अरे बढ़ेगी क्यों नहीं, बोलो बढ़ेगी क्यों नहीं, क्योंकि दाल तो कुकर में बनती है। अब पहले खुले बर्तन में बनती थी तो उसका फेना जो होता था, ये डॉक्टर साहब बैठे ये दाल के लिए तुरंत मना करेंगे। हो, ये नहीं मना करते कि कुकर में मत बनाओ। आपको नहीं कह रहा हूं, सब डॉक्टरों का कुकर वालों से कमीशन सेट है। मजाक कर रहा हूं, बुरा मत मानना।
खुला बनाएंगे तो उसका जो झाग उसी में यूरिक एसिड होता है, वो जो दाल का ऊपरी परत है ना उसका निकल कर बाहर हो जाता था पहले। ये बिना पढ़ी लिखी दादी अंगूठा लगाने वाली कितनी चतुर थी, यूरिक एसिड निकाल के बाहर फेंक देती थी। फ्रिज का खाना फ्रिज में रखो, मैं फ्रिज कंपनी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन क्या रखो, पानी ठीक है, दही मक्खन दूध ठीक है, सब्जी ये फ्रिज में रखने की। और लोग क्या रखते हैं, लड्डू बर्फी पेड़ा, इतना नहीं पता है कि उसमें पानी लगेगा तो खराब हो जाएगा और वो महकने लगता है। दाल आज बनाएंगे रात भर फ्रिज में रखेंगे, सवेरे गर्म करके क्या यार क्या तमाशा बना दिया आप लोगों ने, कहीं शाहरुख खान ने तो नहीं प्रचार कर दिया ऐसा, आप लोग उनके भगत हो गए है ना। खान पान सुधार लो, आधे बाल पकने ऐसे बंद हो जाएंगे प्रेमियों। और मैं बहुत क्या बताऊं, बहुत बातें बताने की योग्य है। दशरथ जी महाराज के कान पास के बाल पके, अभी बुढ़ापा नहीं आया लेकिन बुढ़ापा कटु शब्द है। मैं सबको एक संदेश देना चाहता हूँ, चार पंक्ति का छंद सुनाना चाहता हूँ कि सूखी के गाल अरे भये है खपड़ा, अब चिकना तो न तेल के चिचनाए, अब आंखी गई रुक, अब आंखी गई धसी भीतर को और चौभरी ऊपर को उठी धाए, गाल भये बिन दातन के, अरे अब नर नारी न मोहक पान चबाए, अब बूढ़े भये रसियाए पछतात की हाय, कहाँ अब ये दिन आए, ओ बूढ़े भये दशरथ से नृपति चक्रवर्ती फिर अवधपुरी सी राजधानी, फिर अवधपुरी सी राजधानी विशेषता है वहां की कि जिस जगह अरे सिंह बकरी दोनों पीते थे एक घाट, दीपक से रवि की आभा का कहिए कहीं भांति प्रदत्त हो, जब जब राम का राज्याभिषेक, मैं संक्षिप्त रूप से सार तत्व बोलते हुए आगे बढ़ता हूँ, जब जब श्री राम का राज्याभिषेक होता है आपके हृदय रूपी अयोध्या में, उसमें विघटन सबसे पहले लोभ डालता है। लोभ लोभ राम को राजा नहीं बनने देना चाहता, लोभ राम का मंदिर नहीं बनने देना चाहता, ये निजी स्वार्थ वही मंथरा। समाज में जगह 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 मंथरा की वृत्ति लोगों में घुसी हुई है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सबसे पहली बाधा वही मंथरा डालती है महाराज जी। वो स्त्री नहीं है, वो कोई स्त्री नहीं है, मंथरा वृत्ति है। कई कई ने सम्राट से मांगा, बहुत दिनों से मेरे दो वरदान धरोहर के रूप में आपकी झोली में पड़े हैं अवधेश्वर, अपने दिल और दिमाग को मतलब अपने हृदय और बुद्धि को मजबूत कर लो, ये भूल मत जाना कि वरदान मांगने वाली कोई रानी है, और रानी क्या मांगती है आपको मालूम है, सुना हूं प्राण प्रिय भावना
जी का सुनहु काने ये रानी की वाणी है भगत जी का हे हो ये पर भरत ही टीका हे हो ये कहवर भरत ही टीका माला को तोड़ तोड़ कर दशरथ जी फेंकने लगे। दशरथ जी महाराज को ये पीड़ा नहीं है कि मेरा पुत्र बन को चला जाएगा। दशरथ जी महाराज को सबसे बड़ी पीड़ा है कि मेरे भगवान अयोध्या छोड़कर, अयोध्या में जब भगवान ही नहीं रहेंगे तो अयोध्या में बचेगा क्या? अपनी माला को, क्योंकि वो राम जी को पुत्र मानते ही नहीं थे। बंदों अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पद, क्योंकि पिता का प्रेम पुत्र के चरणों में नहीं होता, पहली बात। और दूसरी बात, जब रामावतार हुआ था तो उसी समय उन्होंने घोषणा कर दी थी कि जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, ना कि पुत्र। कई राम को अयोध्या से तो वन भेज दे गिरे तो अयोध्या में बचेगा क्या? इसलिए वो दुखी हो गए। बाप बेटे से बिछुड़ सकता है, लेकिन जिस भक्त का गाढ़ा प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम प्रभु के चरणों में हो गया है, वो बिछुड़ेगा तो क्या होगा? ये इसके लिए दोहावली का दोहा पढ़ना पड़ेगा। है भैया कि बिरह भुवंगन तन रसो, बिछुड़ेगा तो क्या होगा? मंत्र लहे नहीं कोई, दोहावली में लिखा विरह के सर्प ने शरीर में काट लिया, कोई मंत्र काम नहीं कर रहा। कहा महाराज ये तो राम वियोगी है बेचारा, क्या होगा इसके साथ? तो गोस्वामी जी बोले राम वियोगी ना जिए, ये जिंदा नहीं बचेगा, ये जीवित नहीं रहेगा। अब बोले महाराज यदि जीवित रह गया तो क्या होगा? बोले जिए तो बाउर होए, जिएगा तो पागल हो जाएगा। दो काम होगा, या तो मर जाएगा और या तो जिएगा तो पागल हो जाएगा। दोहावली का दोहा है। महाराज जी से बहुत दिनों बाद भेंट हुई, बहुत दर्शन हुआ। मैं जान गया रामप्रिया दास जी महाराज हैं। मैं लगभग बहुत वर्ष महाराज जी पधारे दर्शन, जोरदार ताली बजाए। मौनी जी मांझा वर्तमान में महाराज श्री विराजते हैं, वैसे मेहंदीबाग झांसी श्री शास्त्री जी महाराज जयपुर मंदिर से। अहो भाग्य आपका, एक बार जोरदार ताली हो जाए। घूम घूम कर ऐसे महापुरुषों का दर्शन करना पड़ा। श्री पठारी जी महाराज जानकी घाट बड़ा स्थान के संरक्षक, महान श्री राम प्रियादास जी महाराज वर्तमान यहाँ अयोध्या में मौनी मांझा, और झांसी वीर मर्दानी लक्ष्मीबाई की नगरी मेहंदीबाग सन 97 या 98 में, तब से आप देखा होगा। उस समय महाराज जी पंच केस में थे, काली दाढ़ी थी। 97 में मैं महाराष्ट्र से ऐसे भटकता, ऐसे पैदल, ऐसे अकेला, झोला उला टंगे, किराया वराया नहीं था। आ रहा था मैं ट्रेन से, वो भी बेटिकट, मेहंदीबाग रुका। मैंने देखा बड़ी संत सेवा होती थी, सैकड़ों संत भोजन करते थे, रहते थे। मैं भी रुका था, महाराज जी से मिला भी था। महाराज जी ने उत्साह वर्धन किया। तब से आज मैंने देखा तो मैं पहचान गया कि तो महाराज जी। उसके बाद से मैं आज मिला हूं, और मैं सभी महापुरुषों को और श्री जयपुर मंदिर के महाराज जी श्री महंत पवन कुमार दास जी महाराज, संकादिक आश्रम के महंत श्री जनार्दन दास जी महाराज,
आस्था भजन टीवी चैनल पर जो भी कथा सुनेंगे वो घर बैठे अनायास उनके भाग्य कितने प्रबल हैं, इन महापुरुषों का दर्शन करेंगे। हमारे परबत्सर से, राजस्थान से सैकड़ों की संख्या में जो लोग आए हैं वो भी दर्शन कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी के महंत श्री बलरामदास जी महाराज और भी संत पूज्य चरण मंच पर विराजे हैं, सबको मेरा प्रणाम, बार बार प्रणाम। मेरा बेटा 14 वर्ष के लिए वन चला जाएगा, इसलिए दशरथ जी अपनी माला नहीं तोड़ रहे थे, अपने कपड़े नहीं फाड़ रहे थे। प्रभु चले जाएंगे, मेरा जीवन ठाकुर जी से विहीन हो जाएगा, क्योंकि सत्य प्रेम जय राम पद। कैकेयी से बोले, तुझे राज्य चाहिए ना, ये मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे सरकार है, इनको राज्य की कोई लालसा नहीं। सब ले लेना, महल ले लेना, सारी संपत्ति ले लेना। और तू कहे तो दूर नहीं, अयोध्या के बगल में भी एक वन है, उसमें मैं राम जी को भेज दूं। और मेरी बहू सीता बड़ी संतोषी है, उनके पीछे पीछे चली जाएगी, मेरे वचन की भी रक्षा हो जाएगी, क्योंकि अपनी पगड़ी उतार कर मेरे चरणों पर रख दिया था परम ज्ञानी जनक ने। और रोते हुए मेरे से बोले थे, महाराज हमने सुना है आपकी उदारता के बारे में कि आप बड़े दयालु हैं, मेरी बिटिया के अपराध को क्षमा करना, और बिना अपराध के कैकेयी सीता भी बन चली जाएगी, इसलिए मेरा निवेदन है तुझसे। वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक सुनाता हूं। यथास्मिन् नगरे राम शरण भेक्षे गृहे बसेत। कैकेयी, अरे तू राम की माँ रे, तेरी कृपा हो जाए तो राम बगल वाले जंगल में रहे। और सुन, कैकेयी बोली तो रोटी कैसे मिलेगी उनको? दशरथ जी बोले, अयोध्या वासियों के घर में राम जी भिक्षा मांग लेंगे। ऐसा कहते हुए श्री दशरथ जी जोर जोर से रोने लगे। भगवान शंकर बोले, पार्वती नेत्र बंद करो और झांकी देखो। टकटकी लगाकर कलेजे पर पत्थर रखे हुए कैकेयी मूर्छित पड़े हुए ताड़ के कटे हुए वृक्ष के समान श्री दशरथ जी को देख रही थी। हुआ क्षमा चाहेंगे सबसे, दो चार मिनट में ही कुछ बता पाएंगे। और हमारे सब महापुरुष कहते हैं आप समय 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 क्यों किया करते हैं, समय आप खूब लीजिए, खूब समय नहीं है। समय की मांग का जिसको सुनाई स्वर नहीं देता, समय करवट बदलने का उसे अवसर नहीं देता। किसी के हाथ लंबे, पैर लंबे, चादरें लंबी, ये लाइन सब लोग लिख लीजिए। समय कोई तमाशा नहीं है, समय की मांग का जिसको सुनाई स्वर नहीं देता, समय करवट बदलने का उसे अवसर नहीं देता। किसी के हाथ लंबे, पैर लंबे, चादरें लंबी, और किसी को लाज ढकने को भी एक चादर नहीं देता ये समय। समय की मांग का जिसको सुनाई स्वर नहीं देता, समय नहीं है, थोड़ा कुछ समय। मैं आप तक कुछ बातें पहुंचाता हूं। प्रातःकाल हुआ, भगवान श्री रघुनाथ दशरथ जी महाराज की तरफ सुमंत्र के बुलावे पर चले आ रहे थे। भगवान श्री रघुनाथ के चरणारविंद की आहट को सुनकर के मूर्छित पड़े दशरथ उठकर बैठ गए। अरे अरे, क्या राम जी आ रहे हैं? रघुनाथ जी बोले, पिताजी के चरणों में सादर प्रणाम। दशरथ जी बोले, बेटा आज तक तूने मेरी हर बात मानी है, एक बात आज मैं कहना चाहता हूँ। राम जी बोले, क्या? दशरथ जी बोले कि अहम राघव कैकेय्या वरदानेन मोहितः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, अयोध्यायां त्वमाद्यैव भव राजा अनिग्रहीयमाम। मस्तक पर यह दशरथ अपने हाथों से तिलक लगाकर तुझे युवराज नहीं बना सकता, क्योंकि मैं कैकेयी के वचन पास में बंध चुका हूँ, ये मेरा आदेश है, तू स्वयं राजा बन जा, क्योंकि अयोध्या की प्रजा तेरे तरफ। उसके पहले काम कर, पहले मेरे वचन की रक्षा हो बेटा, हक्कड़ी लगाकर मुझे कारागार में डाल दे, आदेश है मेरा, निग्रह इमाम कैद कर ले मुझे। भगवान श्री राम अस्तब्ध खड़े थे। महादेव बोले, पार्वती
नेत्र बंद करो और झांकी देखो। माता श्री कैकेयी से भगवान श्री राम जी बोले, माता आखिर हुआ क्या? कि मंत्री मंत्री माता माता, अरे ऐसे क्यों अकुलाए? या मुझसे कुछ अपराध हुआ, मुझसे कुछ अपराध हुआ, या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता साए, या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे कुछ नहीं। यदि पूरा कर पाओ राम जी तो बताऊं, बात कोई बहुत बड़ी नहीं है, बात छोटी सी है, लेकिन इनका रोना बड़ा है। स्वार्थ आज इतना प्रबल हो गया है, स्वार्थ की प्रतिमूर्ति मंथरा ने कैकेयी को अपने रंग में रंग दिया है। भगवान श्री राम बोले, पूरा कर पाऊं तो बताओ माता, मेरे पिता के लिए मेरे से ऐसे बचा। आहो देख, पहली बार राम जी इतना टाइट बोले, पहली बार। ध्यान दीजिए, कैकेयी के सामने राम जी ऐसे बोले। यदि पिता की बात न होती तो राम जी न बोलते। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 2-3 श्लोक, ये शायद 44वां या 45वां सर्ग है अयोध्या कांड का, तो उसमें बड़ा अहो धिक्कार है, बार बार धिक्कार है भगवती देवी ऐसे वचनों को, अहम ही वचनाद राज्ञः। ये पिता तो बाद में है, ये राजा है मेरे अयोध्या का। आज आज इस विपन्न अवस्था में जो धरती पर कोप भवन की धरती पर पड़ा है, ये उठकर एक बार आदेश तो दे। चिता लगाकर अयोध्या के चौराहे पर यदि राम अभी एक क्षण में अपने शरीर को न जला दे, ये आदेश दे दे बस। आप माता कह रही हैं पालन कर पाऊंगा मैं, आप ऐसे बोल रही हैं, ये आदेश दे दे जो महापुरुष धरती पर पड़ा है, मैं अभी तुरंत चिता लगाकर अपने शरीर को जला दूंगा। मैं अपने पिता के लिए अपने शरीर को एक क्षण में जला दूंगा, समुद्र में डूबकर मर जाऊंगा यदि मेरे पिता को मेरे विष पीकर मर जाने से अगर आनंद मिले तो। माता अभी पूरी प्रजा के सामने कटोरे में विष घोल कर पी लूंगा और अपने शरीर को छोड़ दूंगा। हालांकि अयोध्या मुझे बहुत प्रिय है माता, लेकिन मेरे अयोध्या छोड़ देने से यदि मेरे पिता को शांति मिलती हो तो अभी मैं इस चौखट को प्रणाम करके और अयोध्या छोड़कर चला जाऊंगा, और जब तक जीवित रहूंगा मैं अपनी अयोध्या कभी नहीं आऊंगा। माता आप कैसी बातें करती हैं? से देवी भक्तुम महामित्र संबचा अहम विवचनाद राज्ञः पतेयमपि पावके भक्षेयम् विषम तीक्ष्णम् पतेयमपि चारणवे नियुक्तो गुरुणा पित्रा निर्भेण च हितेन च। ये बोला भगवान। ऐसी बाणी को सुना दशरथ जी मूर्छित हो गए। भगवान श्री राम माता को प्रणाम करते हैं, भगवती सीता भी तैयार हो जाती हैं। इतने में चारों तरफ त्राह त्राह मच जाती है, धड़ाधड़ दरवाजे बंद होने लगे, घोड़े पैर पटक पटक कर हिनाने लगे, लगता है कि भंवरे फूलों को छोड़कर दूर उड़ते जा रहे। उत्तर रामचरितम में महाकवि भवभूत ने इसका बड़ा कारुणिक वर्णन किया है। बाल बिखराए हुए गुरुदेव वशिष्ठ की पत्नी भगवान राम की गुरु माता, जिन्होंने भगवान श्री राम को भोजन कराया था विद्या अध्ययन के समय, चौराहे पर जोर जोर से रो रही है। इतने में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। एक नौजवान हट्टा कट्टा गोरा लंबा चौड़ा तलवार बगल में लटकी धनुष बगल में लगाए तरकस बाण से भरे और चिल्लाता दौड़ता राम जी की तरफ चला रहा था। ठाकुर जी, हजारों हजार लोग स्तब्ध हो गए। ज्वाला अग्नि की चिंगारी जैसे उस नौजवान की आंखों से निकल रही थी, ऐसा लग रहा था धरती कांपने लगी।
जिंदगी में क्या है, पैसा थोड़ा कम कमाना भाई साहब, लेकिन ऐसे दो चार लोगों को जरूर कमाना जो आपके अगल बगल रहे। ये रामायण आपको शिक्षा देती है। वो दौड़ा चला रहा था, चमचमाती तलवार है और प्रभु चला, देखता हूँ किसकी माँ ने दूध पिलाया है कि जो आपका विरोध करेगा, सरजू की धारा लाल लाल हो जाएगी जो विरोध करेगा। ये सिंहासन आपका है कि गादी राघवेंद्र की है, राघवेंद्र की रहेगी, आपके सिंहासन को कौन ले सकेगा नाथ। अब बात आन मान और शान की बनेगी तो निमंत्रण प्रलय को आज कौन दे सकेगा नाथ। कि क्रंदन प्रजा का अभिनंदन नरेश का भी, और दोनों काम साथ साथ कैसे हो सकेगा नाथ। और आग लग जाएगी, प्रचंड जंग भी छिड़ेगी, आपको कृपा निधान कौन खो सकेगा नाथ। क्रंदन प्रजा का निकट आए तो राम जी ने देखा ये और कोई नहीं है लक्ष्मण जी थे, और बार बार उनकी जिह्वा यही शब्द उच्चारित कर रही थी, निर्मनुष्यामिमां सर्वाम अयोध्या मनोजर सब कृष्याम सरस्ति क्षण यदस्थास्यति विप्रिये। कोई राम जी के लिए इतने बड़े कदम उठाने को तैयार है, और भगवान श्री राम की धर्म पत्नी राम जी के आगे आगे नंगे पैर कुश और कांटे पर चलने के लिए तैयार है। इसी धर्म पत्नी की प्रशंसा पूरे विश्व ने की। वेलेंटाइन जैसे पादरी ने यूरोप के अंग्रेजों को कहा था कि भारतीय परंपरा से पति पत्नी जैसे रहो, शर्मानी चाहिए तुम्हें। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है इस देश में फूहड़ता के रूप में। वैलेंटाइन यूरोप के एक पादरी थे जिन्होंने धर्म पत्नी की व्याख्या अपने देश में की थी। वहां के राजा ने उनको सूली पर चढ़ा दिया था और उन्होंने कई हजार लोगों की शादी करवाई थी भारतीय परंपरा से। उन्हीं लोगों ने उनकी याद में वैलेंटाइन डे यूरोप में मनाया था। और यहाँ ये मूर्ख लड़के लड़कियां जो अंग्रेजी कल्चर के काले रंग में रंगते चले जा रहे हैं, आप लोग प्रयास करो, ने प्रेमियों नहीं बहुत नुकसान होने वाला है। ये कपड़े का पंडाल नहीं है, ये विश्व का सबसे बड़ा पंडाल है जहां से संस्कार की गंगा बहती है। क्या बात है, वाह वाह, जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ट्रस्ट के साकेत धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के रीढ़ के समान कानपुर से प्रसिद्ध समाज सेवी श्री ठाकुर संतोष सिंह जी अपने टीम सहित आ गए हैं। बड़े परम उदार परम उपकारी, बैठिए बिरा जी। रघुनंदन राघव हरे राम हरे। आपको अभी कुछ देर बाद पूज्य चरण अन्य अन्य महापुरुषों के आशीर्वचन भी मिलेंगे। मैं तो एक साधारण सा बालक हूं, इन्हीं लोगों से जो कुछ सुना सुनाया हाँ वही सुना देता हूँ। गोस्वामी जी का वही दोहा में बार बार मुझे याद आता है कि जल काटे बोरे नहीं समुझ पाछली प्रीत, आपन सींचा जान के यही बड़े की रीत, आपन सींचा जान के, दोहावली का दोहा, जल काटे बोरे नहीं। तो आइए दो बार प्रभु का नाम, रघुनंदन राघव हरे राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, रघुनंदन रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम।
बरस के बनवासी हुई। अयोध्यावासी पीछे पीछे लगे थे, छोटे छोटे बच्चे वृद्ध बालक सबको तमसा नदी के तट पर सोते हुए छोड़ दिए। बहुत बातें हैं, मुझे कष्ट हो रहा है कि मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। निषाद राज से मिलते हुए भगवान श्री राम गंगा के तट पर मंत्री सुमंत्र को वापस किया है और किनारे 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 गंगा जी के किनारे किनारे आगे बढ़े। राम राज्य का प्रथम नागरिक केवट लक्ष्मण जी बोले, प्रभु गंगा पार करने के लिए नौका भी चाहिए। ते प्रभु या तरनी तरिवे को कवितावली में गोस्वामी जी कहते मांगत नाव कगार हुए ठाड़े। ये राम जी के लिए ही संभव है। इतनी सरलता, इतनी वास्तविकता। एक मेरा छंद है, मैं आपको सुनाता हूं। अरे की भाग जगे कुल के वटके, प्रभु तापस धारी जटा बनियाए, अपित्र अतृप्त पिपासा बरे पुरवा घन घोर घटा बनियाए, कि भागीरथी के किनारे खड़े रघुनाथ अलोखी छटा बनियाए, अभव सिंधु प्रचंड उतारन को खेवटा के घरे खेवटा बनियाए, भव सिंधु प्रचंड नाव चलाने वाले के घर में बड़ी वाली जहाज चलाने वाले बन के आ गए। वो नाव से नहीं, जहाज से भव सागर पार नर्तन भव बारिद कहो बेरो। लेकिन भैया केवट तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा साहब। पांच सात नंगे नंगे बच्चे हुड़दंग बचा रहे हैं, उसकी काली काली घरवाली पता नहीं क्या अंदर कर रही, टूटी टूटी झोपड़ी पड़ी पड़ी पड़ी। अब बोलती है तो जैसे लगता है वज्रपात हो रहा है। ऐसे के घर के सामने के प्रभु श्री राम खड़े। लक्ष्मण जी बोले काला काला एक आदमी फटी फटी धोती पहने। राम जी बोले केवट वही है। लक्ष्मण जी बोले यही रहो, मैं बुला के लाता हूँ। राम जी बोले कौन हो तुम? अयोध्या के राजा? नहीं, मैं कौन हूँ? अयोध्या का राजा। बोले नहीं, राजा होते तो पकड़ के लाते। बोले वो आने वाला नहीं, रुक जाओ, हम जैसे कहे वैसे करो। ए भैया, राम जी गए तो केवट ने मुंह घुमा लिया, पीठ राम जी की तरफ कर लिया। मैं बहुत जल्दी केवट प्रसंग सुनाता हूँ, श्रीमद वाल्मीकि रामायण में नहीं है, अध्यात्म रामायण में है। क्षालयामि तव पाद पंकजम नाथ दारु दशदो किमंतरम। अध्यात्म रामायण रामचरितमानस लगभग हमको तो लगता है कि जो गोस्वामी जी लिखते हैं महाराज जी की नाना पुराण निगमागम संबतम यद रामायणे निगदितम, तो कहीं रामायणे निगदितम ये अध्यात्म रामायण ही तो नहीं है, क्योंकि सेम टू सेम प्रसंग मिलते हैं। मानुषीकरण चूर्णम स्थित है अध्यात्म रामायण में, वाल्मीकि रामायण में नहीं है। इसका मतलब ये थोड़े कि केवट था ही नहीं, बहुत चीजें नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। राम जी जब गए तो केवट ने राम जी की तरफ पीठ कर लिया, मुंह घुमा लिया। लक्ष्मण जी बोले प्रभु ऐसे नहीं मानेगा। राम जी बोले कैसे मानेगा, हमको पता है, ठीक है वही रहो, ज्यादा लाल पीले होने की जरूरत नहीं है, बड़े आए मनाने वाले। भैया नाव चाहिए था तो केवट बोला यहाँ भंडारा थोड़े हो रहा है, यहाँ तो जो आता है सब नाव के लिए आता है। लक्ष्मण जी बोले राम राम तो बड़ा टेढ़ा बोल रहा है भैया। देखो महाराज, देखो साफ साफ बोलू। राम जी बोले हाँ मैं साफ साफ सुनना भी चाहता हूँ। तो केवट बोला तो सुनो, पात भरी सहरी सकल सुत वारे वारे। कविता वाली में लिखा है महाराज मैं खाता क्या हूँ। केवट बोला मैं खाता क्या हूँ, मछली। और आप पूछ लीजिए किसी मछली खाने वाले से, 10-20 लोगों के बीच में हो, पूछो मछली खाते हो, वो सरासर मना कर देगा नहीं खाता। किसी से पूछो शराब पीते हो, वो बता दे तो ही कहना वो झूठ बोल जाएगा। अरे भाई बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए। केवट खुल्लम खुल, राम जी क्यों पसंद कर रहे हैं उसे? वो कह रहा है सब लोग सुनो मैं मछली खाता हूँ। राम जी बोले बेटा बस मैं यही चाहता हूँ कि साफ साफ निर्मल मन जन सो, इतना निर्मल जो हो तो मुझे पाई जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि लोग मछली खाना शुरू कर दे, इसका मतलब है कि लोग शाकाहारी बनना शुरू कर दे। अब अगर दम है केवट के जैसे बेबाक होने की,
प्रेमियों, श्री राम कथा सुने और जीवन में कुछ क्रांति ना आवे, हलचल ना हो, तब तो क्या लाभ। केवट बोला पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे। ये मरा, ये छोटे छोटे बच्चे जो कूद रहे हैं ना, ये मेरे ही हैं। और ये आप जानते हैं कि मैं इनको पढ़ा नहीं पाऊंगा। केवट की जाति कछु भेद, अरे ना पढ़ाई हो, सब परिवार मेरो या हिलागी राजा जो प्रभु से निषाद। अधिक मैं आपसे बातचीत करूं शोभा नहीं देता प्रभु। होई के बाद ना बढ़ाई हो। राम जी बोले डर किस बात का, ये बता दे बस। तो केवट बोला महाराज गौतम की घर निसी तरनी तरेगी मेरी, तो दीन पितहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। चाहते क्या हो? कुछ नहीं। तुलसी के इस नाथ रावरे सो सांची कहो बस, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। ये आपके चरणारविंद को जब तक पखारूंगा नहीं, तब तक नाव पे मैं बैठाने वाला हूँ नहीं। सुन लो महाराज, साफ साफ बात है, है? तो गोस्वामी जी भी कलम चलाए, बोले सुन केवट के बैन। दो तरह के बैन है उसके, एक तो प्रेम लपेटे हैं और दूसरे अटपटे। ये दोनों अलग अलग मामला है। प्रेम लपेटे क्यों हैं और अटपटे क्यों हैं? प्रेम लपेटे इसलिए हैं कि वो बहुत बड़ा भगवान का भक्त है, और अटपटे इसलिए हैं कि वो स्कूल नहीं गया, उसको बोलना नहीं आता, पढ़ा लिखा नहीं है। हमारे जो ये भजनानंदी संत हैं, ये बहुत पढ़ने लिखने को ये भी महत्व नहीं देते, ये भजन को महत्व देते हैं। तो इनकी भी बातें भले अटपटी हो, लेकिन इनके अंदर भक्ति भरी हुई है। एक बार जोरदार संतों के लिए ताली। ये भजन को महत्व देते हैं, ये बहुत डिग्री नहीं चाहते। केवट बोला महाराज मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, वेद पढ़ाऊंगा नहीं, ना पढ़ा हुआ हूँ। एक मुझे बात याद आती है, एक महात्मा जी एक गांव में गए, वो बिल्कुल पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो लेकिन ये तो जानते थे कि संत दर्शन से कल्याण होता। 150 लोग जुट गए बाबा जी को, महाराज जी को प्रणाम, महाराज जी प्रणाम, महाराज जी प्रणाम। एक बुढ़िया माई भी आई थी, ये जैसे मंच पे आ रही थी ऐसे थी। उन्होंने बाएं हाथ से बाप जी को धोक दिया, बाप जी धोक दे और अपना पैर लंबा लंबा महाराज जी की तरफ करके, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, उनको नहीं मालूम है ना। आइए महाराज जी बोले मैया पैर अपना समेट के बैठ ले, महात्मा की तरफ पैर करने वाला नरक चला जाता। बाबा जी ने मजाक किया, महात्मा की तरफ पैर करने वाला नरक चला जाता। वो माता जी इतनी भोली थी कि वो नरक भी नहीं जानती थी, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। बोली महाराज हम बहुत गरीब लोग हैं, हम गरीबों के भाग्य में नरक कहाँ लिखा, वो नरक ही नहीं जानती। बोले महाराज हम गरीबों के भाग्य में नरक कहाँ लिखा है, नरक तो आप जैसे बड़े लोगों को पहले मिलता होगा। अरे महाराज जी बोले चुप चुप चुप, इससे बढ़िया तो पैर फैला के फेंकी देते। वो बेचारी कुछ नहीं जानती, उसे कुछ बोध नहीं है, वो बोले जा रही है। केवट भी बोले जा रहा है कि प्रेम लपेटे है? लेकिन देसी घी में बना हुआ लड्डू अगर टेढ़ा भी हो तो फिर क्या है? तो देसी घी। अटपटे हैं तो क्या हुआ, प्रेम लपेटे तो है। उस बैन का प्रभाव क्या हुआ पता है? पता है कोई धरती पर इतना ताकत किसी में नहीं थी जो केवट ने कर दिया। अंगूठा लगाने वाले, पतवार चलाने वाले, मछली खाने वाले, हटी धोती पहनने वाले, केवट ने जो कर दिखाया है अभी, वो अयोध्या के लोग मिलके नहीं कर पाए थे। प्रेमियों राम जी को कोई हंसा ही नहीं पाया था, बोलो जैसे। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे पीछे रोते रोते दौड़े थे, अरे चाचा, अरे भैया आप मेरे घर में रहना, आप वनवासी मत बनो। डंडा टेकती हुई बूढ़ी माताएं, अरे वो लाल जी, अरे वो लाल जी। मंत्री सुमंत्र रो रहा था, प्रभु मैं तेरी माता कौशल्या को क्या उत्तर दूंगा, ऐसे चिल्ला रहा था। श्री सरकार के मन में कि दशरथ के बारे सुमंत्र तो बहुत रो रहे थे, वो दुलारे कौशल्या के भूपति के सुन ला संदेश हे बबुआ, अरे लौटा अयोध्या के देश, लौटा अयोध्या के देश। बाबा की उम्र का पैर पकड़ के बैठ गया था लाल जी, मेरी आंखों ने ऐसा दृश्य कभी
कबीर ने दे के बारे अरे दुलारी कौसल्या के दशरथ के बारे दुलारी कौसल्या के दशरथ के बारे दुलारी कौसल्या के भूपति के सुनिला संदेश मोर बबुआ लौटा अयोध्या के दिन मोर बबुआ लौटा अयोध्या के दिन कहाँ चला गया था? श्री सरकार का मन रो रहा था, लक्ष्मण की तरफ देखते तब रोना था, पैरों में कांटा लगा हुआ और दबा दबा कर पैर रखने वाली कोमलांगी भगवती सीता की तरफ देखते जो चल नहीं पा रही थी तब रोना था। सरकार ठाकुर कोई मेरे राम जी को हंसा नहीं पाया था, लेकिन बिना पढ़े लिखे भाई केवट मैं तुम्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। भले तुम पढ़े लिखे नहीं थे, भले तुम ऊंची जात के नहीं थे, भले तुम्हारा बहुत बड़ा ऊंचा मकान नहीं था, तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं थे, तुम बड़े लोगों में बैठते नहीं थे, लेकिन नमन है तुम्हें केवट, तूने मेरे राम जी को जोर से हंसा दिया, कोई नहीं हंसा पाता। कि सुन के भटके बहन प्रेम लपेटे अटपटे तो भी हंसे करुणा आए हंसे रहे राम जी हंसे तो लक्ष्मण हंसे बड़े जोर से, और लक्ष्मण जी हंसे तो सीता जी भी हंसी, सीता जी भी हंसी तो केवट भी हंसने लगा, और केवट हंसने लगा तो उसके चार पांच नंग धड़ंग बच्चे भी हंसने लगे, और उसके बच्चे हंसने लगे तो उसकी घरवाली भी हंसने लगी, और गंगा की कलकल छल छल करती धारा भी हंसने लगी, पेड़ पर बैठे हुए पक्षी भी चू चू करके हंसने लगे, ऐसा वातावरण बना भी हंसे करुणा ऐन चितय जानकी लखत तक। अच्छा भगवान बोले भैया ऐसा है, ठीक है ठीक है ठीक है, वही करो जिससे तुम्हारा काम बन जाए। केवट बोला देखो गोल माल बात हमको पसंद है नहीं, ये क्या है सोई कर जे तो नाव न जाई सोई कर, ये क्या है? देखिए साफ साफ बोलना हमको पसंद है, और आप भी प्रभु साफ साफ बोलिए। लक्ष्मण जी बोले बोल दीजिए भैया साफ साफ, क्या बताएं तो बहुत विचित्र जगह आ गए। राम जी साफ साफ बोले बेगियान जल, ये साफ साफ साफ, अब पहले गोलमाल था स्वाई करो जय तो अभी क्या बेग आन जल पाए पखारू होत विलंब उतारह पारू। केवट ने भगवान का चरण धोया, चरण पखारने के बाद में जल पिया, ओ गंगा के किनारे सभी पितरों के समाधि स्थल पर छींटे दिए, हालांकि तुम तो स्वयं मुक्त हो, लेकिन जिसके चरणों से गंगा जी निकली है उसके चरण का ये चरणामृत है लो। पितर पार कर केवट ने भगवान राम को अपनी नाव पे बिठाया, बोला सरकार एक निवेदन है, हवा उल्टी चल रही है, नाव चलाने वाले हम दो लोग रहते थे एक घर चला गया है। लक्ष्मण जी बोले हम सब जानते हैं तेरी बहाने बाजी। अब केवट बोला नाव सरकार थोड़ा दो तीन लग्गा दूर बह जाए तो बुरा मत मानना। अरे लक्ष्मण जी बोले तू जानबूझ के बहा देगा तो बह जाएगी, तेरे जितना चालाक व्यक्ति तो आज तक मैंने कहीं नहीं देखा। लक्ष्मण जी बोले अब वो नाव कम चलाता है गाना ज्यादा गाता है, थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है तो आपके घर में गाना शुरू हो जाता है, लेकिन जिसकी नाव पर तीनों लोगों का स्वामी बैठा है वो नहीं गाना गाएगा। तो बोलो कौन गाना गाएगा? केवट गाना गाने लगा।
क्या गाने लगा, हम आप भी गाने का प्रयास करें कि देखो रे नौका वाला संगीत भी कुछ अलग टाइप का होता है। देखो रे पहली बार मेरी देखो रे भगवान को करने पार भगत की नाव चली। जय राम लखन जय जनक लाल रे, जय राम लखन जय जनक लाल रे, जय राम लखन रे जनक लली, जय राम लखन रे जनक लली। आपको इतना ही बताना है, समय की सीमा में रहकर केवट दो तरह का है इसमें, एक उस पार वाला केवट, एक इस पार वाला केवट। इतनी जल्दी सत्संग का प्रभाव देखो। सत्संग खाली इतने नहीं है कि दो घंटे तक भजन चलता रहे, बाजा गाजा चलता रहा है, खूब जो भाव से नाच रहा हो भी नाचे, कोई दिखाने के लिए नाचे। सत्संग केवट को भी मिला। उस पार वाले केवट ने प्रभु राम को प्रणाम नहीं किया था, लेकिन जब गंगा पार ना हो गई तो फिर क्या हुआ, केवट उतर दंडवत, प्रणाम तो दूर की बात, दंडवत की ना मने डंडा के समान लेट गया। प्रभु सब कुछ यही कछु नहीं देना। हालांकि केवट ने भगवान से कुछ लेने के लिए दंडवत करने वाला, किसी कामना से वह दंडवत नहीं कर रहा, लेकिन भगवान को लगा कि अब खाली सूखा सूखा आशीर्वाद इसको क्या दे, इसने मुझे नाव से पार उतारा है तो इसकी मजदूरी भी तो बनती है। अब कभी राम जी इधर देख, अब कुछ था तो नहीं हूं, कुछ क्या दे दे, लौकी का कमंडल, अब कमंडल केवट को दे दे, कोई बैरागी थोड़े बनना, उसको वल्कल वस्त्र पहने, वल्कल वस्त्र भी ऋषियों के काम का, पैर में
चरणों में कोई कोई ऐसी कोई पादुका भी नहीं, कोई जूते भी नहीं, पायन को पनही ना। कवितावली में गोस्वामी जी पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, नंगे पैर हैं, पायन को पनही न पयादे, क्यों चली हैं, सकुचात हियो है। बोलो जय श्री हरि। पानी पियो। चार चीजें नोट करो, कलम कागज निकाल के, नहीं हो तो मन में नोट करो। रणस्थले शस्त्रभ्रतां परीक्षा, हुतासने हाटक संपरीक्षा, विपत्ति काले ग्रहणी परीक्षा, अविद्यावतां भागवते परीक्षा। योद्धा की परीक्षा युद्ध भूमि में होती है, और सोने की परीक्षा आग में तपाने के बाद होती है, और मुसीबत का समय आए तो पत्नी की परीक्षा होती है। विपत्ति में यदि पत्नी खरी न उतरे तो वही वाइफ है, वो पत्नी नहीं, पत्नी जो पतन से बचाए। अब राम जी दे तो क्या बढ़ क्या, सीता जी माता जी बोली प्रभु हाय हाय मेरे पास, अरे हाय तो भले कोई कितना, केवट को तो नहीं देता अंगूठी। भगवती सीता ने मन मणिमुदरी वही मणिमुद्र का, हनुमान जी जिस मणिमुद्र का दीन जन जानी, हमको लगता वही मुदरी है। मन मुदित उतारी वो भी प्रसन्न मन से, इतनी उदारता। श्री 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 सरकार ने केवट को कहा उतराई लो, रामा कहो कृपालु। कृपालु माने, अरे जो इतनी कीमती मुद्रिका जो कारीगर बना नहीं सकता दुनिया में, उसको केवट को दे रहे हैं तो गोस्वामी जी तो कृपालु ही नहीं, इतना बड़ा कृपालु कौन होना। रामा कहो कृपालु लेहु उतराई, रामा सियार मेरा दरिद्र मिट गया, मेरा दोष मिट गया। दोष क्या? अब मैं मछली नहीं खाऊंगा, जब खाया तो खाया, अब मैं आज से शुद्ध शाकाहारी हो गया हूं। चौपाई यही सारा कर रही, मेरे दोष आज से छोड़ दिया प्रभु, ये कम कम मिला मुझे। आप सिगरेट पीना कथा से छोड़ दे तो ये कथा का कम फल है। बोलो, आप शाकाहारी कथा सुनकर बन जाएं तो क्या कथा ने आपको ये कम उपहार दिया, कम कृपा की? मिटे, सबसे पहला नाम उसने लिया है, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष। अब प्रेमियों, जब तक आपके अंदर दोष है, जब तक गंदी आदतें हैं, नोट कर लीजिए, आपका दुख कभी भी मिट नहीं सकता है, चाहे आप कितने भी सोने के सिंहासन पर बैठे।
तो दुख भी मिट गया, दोष मिटा तैसा ही दुख मिट गया। दुख मिट गया तो दरिद्रता मिट गई, सब दरिद्रता मिट गई, तो जो अंदर की ज्वाला है, अंदर की पीड़ा है, वो भी समाप्त हो गई। और अब ये सोने की अंगूठी सरकार, राम जी बोले ले 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 भैया ले ले, है ना। अच्छा ऐसा नहीं है भैया, तीनों उदाहरण लक्ष्मण जी थोड़ा आंख लाल करते, वो भी ऊपर ऊपर। लक्ष्मण लक्ष्मण जी बोले प्रभु आपसे तो ले नहीं रहा है, लाओ मैं देखे देखू। हाँ हाँ, राम जी बोले तुम बहुत अमृत बरसाए हो ना, उस पार तो तुमसे ले ले, बड़ा अमृत बरसाए इसके ऊपर तो ले। देख लक्ष्मण जी बोले भैया भैया से नहीं लो तो हमसे ले लो। बहुत कीन हठ लखन, लखन ने भी बहुत हठ किया। और उसके बाद सीता जी ने भी कहा मेरी अंगूठी है तू ले ले, केवट नहीं ले रहा। राम जी बोले तो कुछ बोल, ब्रह्मा का सिंहासन मांग तो भी दे दूं, इंद्र का पद मांग तो भी दे दूं। ब्रह्मा जी डरे, इंद्र जी डरे, कहीं मांग लिया तो क्या होगा। केवट बोला नहीं नहीं नहीं, उनके पद से हमें कोई लालच नहीं। तब बेचारे की जान में जान आई, फिर कुछ मांग। केवट बोला सरकार हमने अपनी दादी दादा से संत महात्माओं से कभी कभी सत्संग तो किया ही था। मैंने सुना है सरकार जो ज्यादा पापी होते हैं उनको बैतरणी में डूबना पड़ता है। राम जी बोले हाँ। तैसे केवट के हाथ से लगा छूट के गिर गया, पतवार छूट के गिर पड़ा, वो कांपने लगा। राम जी बोले मेरे सामने खड़ा होकर तू भयभीत चाहता क्या है। केवट बोला सरकार मैं भी तो पापी ही हूं, और अब किसके सामने मांगने जाऊं, मुझे कौन बचाएगा। राम जी बोले मैं बचाऊंगा, तू घबराता क्यों। बोला सरकार आपका सेवक, आपको गंगा पार कराने वाला केवट अपने पाप। ये गोस्वामी जी भी डरे थे, विनय पत्रिका में यही उन्होंने भी कहा है कि कुटिल करम लय जाहि मोहि, जहां जहां अपनी पर्याय। रघुनाथ जी हाथी घोड़ा भवन अटारी सोना चांदी तो देना चाहे मत देना, लेकिन इतनी कृपा रखना यह विनती रघुवीर गोसाई। एक आस विश्वास भरोसो हरो, विनय पत्रिका का पत्र निवेदन कर रहा हूं, हरो जीव जड़ताई। सबसे बड़ा निवेदन है कि कुटिल करम लय जाहि मोहि, जहां जहां अपनी जबरदस्ती पकड़ पकड़ के। जब जब मुझे ये मेरे गंदे कर्म मुझे शराब पीने पर विवश करें, मुझे गलत करने पर, मैं अपने आप की भाषा बोल रहा हूं, प्रभु उस समय मुझे बचाना। तह तह जन छिन छो छाड़िबो कमठ अंड की नहीं। जैसे कछुआ अपने अंडा का ध्यान रखता है, रहता तो पानी में है, अंडा रहता है ऊपर कछुए का, लेकिन वो ध्यान वहीं रहता है, वो लप से भागता। केवट भी बोला सरकार मेरे पाप कर्म जब मुझे बैतरणी में डुबोने लगे। अपने लंबी लंबी दिक्पाल वाली भुजाओं से मुझे पकड़ लेना और पहचान लेना कि अरे 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 ये तो वही केवट है जिसने नाव से मुझे पार उतारा था, बेचारा डूबा जा रहा है। बस इतना निवेदन है अन्नदाता, इतना ही चाहता हूं मैं। ऐसा कहकर पतवार फेंक कर सरकार का चरण पकड़ कर केवट जोर जोर से रोने लगा। कि मेरा घर अरे गंगा के तट है, और तुम रहते जग जल निधि तट हो। मेरा घर गंगा के तट है, तुम रहते जग जल निधि तट हो। मैं गंगा भी का मांझी हूँ, तुम भासागर के केवट हो। मैं गंगा ही का मांझी हूँ, तुम भासागर के केवट हो। समझते हो अपने को ऋणी समझते हो।
ऐसा कह करके केवट राम जी के पीछे 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 लक्ष्मण जी बोले प्रभु इसको लौटा दे जा, अपने बाल बच्चों को देखे अपने पीछे पीछे कहां तक चलेगा। राम जी बोले भैया लौटता क्यों नहीं, केवट बोला उतराई तो दे दो। लक्ष्मण जी बोले भांग वांग तो नहीं खाता। अब सब बात जब हो गई कि डरो मत कोई बैतरनी वैतरनी नहीं डूबोगे, अभी कह रहा उतराई तो दे दो। राम जी बोले बेटा उतराई तो तूने लिया नहीं। बोले वो उतराई मेरे काम के नहीं, आप चार से आटा ले आते बच्चे रोटी खा लेते, अंगूठियों गूठी वो घर वाली मेरी लड़ेगी, अंगूठी लेने जाता महाराज। आप 14 साल के लिए जा रहे हैं, मेरा समय अब कैसे बीतेगा, क्योंकि आपके चरणों में जो आश्रित हो जाता है वो आपके बिना नहीं रह सकता, वो कोई दशरथ जी से पूछे। तो राम जी बोले समझा नहीं, केवट बोला मैं किसके सहारे ये दिन काटूंगा, अब मैं नाव आओ तो चलाऊंगा नहीं, अब तो जिसको चलाना हो चलाए और सुख से जीवन बीते, इसका सबसे बड़ा साधन केवल भक्ति है और कुछ भी नहीं है। ये अनुभव आप आज नहीं कल करेंगे, केवल भक्ति। अच्छा राम जी बोले तुझे भक्ति चाहिए ना, केवट बोला सरकार बस वही बाकी रह गई है। तो भगवान बोले ठीक है जा, विदा कीन करुणायतन भगत विमल वर दे, भक्ति का वरदान भगवान ने केवट को दिया। तब केवट लौटा, चित्रकूट में मेरे श्री सरकार पहुंच गए, समय सीमा पर पहुंच गया है। नरसिंह सर जी तैयार रहे अपनी सूचना देने के लिए। इसके बाद आदरणीय पूज्य चरण संत महापुरुषों के आशीर्वचन हम थोड़ी थोड़ी देर निवेदन करेंगे कि हो और थोड़ी बात सुन ले। चित्रकूट की महिमा का जरा थोड़ा वर्णन कर दें। गीतावली रामायण में बड़ा विधिवत फटिक शिला मृद विशाल संकुल सुर तरुतमाल ललित लता जाल हरत छवि वितान की मंदा के तीर मंजुल मृग बेह गभीर धीर मुन गिरा गभीर शाम गान की सब ऋतु ऋतु पति प्रभाव संतत भद्र भाव जन विहार वाटिका नृप पंच बान की विरचित जहां परन साल अति विचित्र लखन लाल निवसत जहां अति कृपाल राम जानकी फटिक शिला मृद विशाल संकुल सुर तरुतमाल अस्फटिक पत्थर की सिलाएं मुलायम होकर गद्दा बन गई। बोलो जय श्री हरि, सोफा सेट हो गई। गीतावली में गोस्वामी जी कहते हैं फटिक सिला मृदु मुलायम संकुल सुरतरु तमाल, फटिक सिला मृद विशाल संकुल सुरतरु तमाल ललित लता जाल हरत छवि वितान की मंदा कि नितटिन तीर मंजुल मृग विहग भीर धीर मुन गिरा गंभीर साम गान की सब ऋतु ऋतुपति प्रभाव चाहे जो ऋतु हो बसंत ही लगता है। ऐसा राम जी की ऐसी महिमा चित्रकूट में। मंत्री सुमंत्र वापस लौट के आए, दशरथ जी महाराज ने 6 बार राम 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 कहा, 1 बार राम कहकर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर खट विकारों का परित्याग किया है? और 6 प्रकार के खूंटों में ये मन की डोरी बंधी भी है भैया, तन तीय तनय धाम धन और धरनी। 1 बार राम कहा तो तन का मोह छोड़ा, दूसरी बार राम कहा तो पत्नी का मोह छोड़ा, तीसरी बार राम कहा तो तनय का मोह छोड़ा, चौथी बार राम कहा तो धाम का मोह छोड़ा, पांचवी बार राम कहा तो धन का मोह छोड़ा और 6वीं बार राम कहा तो धरनी का मोह छोड़ा। तन तीय तनय धाम धन धरनी। और हमारे चक्रवर्ती सम्राट के जीवन में तो इन 6ों का महत्व नहीं था, क्योंकि सत्य संध कहो तृण संवरणी। श्री भरत जी महाराज ननिहाल से लौटे हैं तो ये कई बात बोले हैं, तो ये प्रयाते सुस्तात। अब मैं तो भरत चरित्र तो क्या सुना पाऊंगा, आप सब जानते हैं रात में भी कथा एक मीटिंग 10 से 12 बजे तक रखे हैं, तब तो चाहे सुना पाऊं। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद, जो इस अकिंचन को आपने थोड़ा महत्व दिया, आपने हमें सुन लिया, सुनाने जैसा कुछ नहीं था। मैं पुनः आदरणीय परम पूज्य श्री महाराज जी रामप्रिया दास जी महाराज को बारंबार प्रणाम, महंत राम लखन शरण जी महाराज, श्री बाबा बलराम दास जी महाराज, ये भी महाराज जी नाम विस्मृत हो गया हूँ, हनुमान दास जी महाराज, हमारे बड़ी शुभचिंतक बहन डॉक्टर ममता शास्त्री जी दर्शन भवन अयोध्या, श्री नंदलाल दास कोठारी जी महाराज जिनकी बड़ी कृपा रही है, दयालु जी रामायणी, महंत श्री हमारे परम मित्र
बलराम दास जी महाराज, श्रवण दास जी महाराज, संत समाज के महामंत्री अयोध्या के हमारे अनन्य मित्र पवन कुमार दास जी महाराज, श्री शास्त्री जी महाराज आदरणीय जयपुर मंदिर, सबको बारंबार नमन, सबको बारंबार प्रणाम। और मैं चाहूंगा माननीय श्री नरसिंह सर जी आगे की आवश्यक सूचना दें, इसके बाद माननीय संत चरणों का आशीर्वचन प्रारंभ होगा। जय श्री श्री राम। आप बड़ी सरस पतित पावनी श्री राम कथा महाराज श्री के मुख से श्रवण कर रहे थे। कौन चाहेगा कि कथामृत अगर बरस रहा हो तो उसकी वर्षा रुक जाए, कौन चाहे? लेकिन समय सबके लिए है, समय का ध्यान सबको रखना है। अभी बड़ी पावन चर्चा हो रही थी, एक पंक्ति याद आ गई, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है, ऐसे ही एक पथिक को प्रभु पार करो तो। आइए, बड़ी महत्वपूर्ण सूचना, महाराज श्री का एक संकल्प है, अवध की पावन धरती पर एक आश्रम के रूप में एक जो भूमि अब तक व्यवस्थित की गई है आप सब भक्त जन के सहयोग से, उसमें से महाराज श्री का 101 कमरे का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य में जो सहभागिता अब तक निभाई है, मैं पुनः इनके नाम लेना चाहता हूं। मैं स्वयं सबसे पहला उद्घोष बाराबंकी की धरती से अपनी समस्त टीम के द्वारा, अखंड तिवारी जी, निर्मल तिवारी, दुष्यंत भैया आदि सबके ओर से एक कमरा, उसके बाद दूसरी हिम्मत की राजस्थान के हिम्मत सिंह ठाकुर हिम्मत सिंह जी गिंगोलीगढ़ पर्वत सर द्वारा और उनकी टीम द्वारा एक कमरा का कमरे की घोषणा हुई, जिनमें से महती भूमिका निभाई स्वयं आपने 51,000 रुपए, और आपके ही साथ में ठाकुर हनुमान सिंह जी जो डिगरना के हैं उन्होंने भी 21,000 की महती भूमिका निभाई। तीसरा कमरा, बार बार उनका नाम महाराज श्री के मुख में आ रहा है, श्री राधे श्याम प्रजापति एवं श्री हीरा लाल प्रजापति सुरसुरा, राधे श्याम प्रजापति किशनगढ़, किन शब्दों में मैं आपकी प्रशंसा करूं? मैं स्वयं देख करके आया हूं आपका भाव, महाराज श्री के आश्रम से वहां से भी जुड़े हुए हैं, आपने एक कमरे का भी सहयोग उसमें बनाया है, साथ ही साथ श्री जमरीलाल सैनी, श्रीमती भमरी देवी सैनी, मोहन निष्ठात मंडार गांधी चौक परबसर नागौर राजस्थान से आपकी तरफ से भी एक कमरा घोषित हो चुका है। और आज नारी नक पहले पीछे थी ना आज पीछे, महिला मंडल नारी शक्ति राजस्थान जिसका नेतृत्व कर रही हैं, मैं क्या कहूं, संतोष देवी शर्मा समाज सेविका, अयोध्या बाई, भमरी बाई, सोहनी देवी, आप सबने भी एक कमरे की आज घोषणा की है कि मैं अपने सहयोग से इस भूमि के लिए अगर कुछ मांगना पड़ता है किसी से तो ये मांगना भी बड़ा पुनीत कार्य है। एक कमरा आपकी तरफ से घोषित हुआ है और इस कड़ी में और तमाम सूचनाएं हैं, मेरे बीच में मेरे अनन्य मित्र भी हैं, वो साथी भी हैं, संतोष सिंह जी काफी व्यस्त रहते हैं, यद्यपि मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई लेकिन मैं उनकी तरफ से एक कमरे की घोषणा करता हूँ। संतोष सिंह जी राम ने रुलनाओ आज कानपुर में विराज रहे हैं, संतोष सिंह जी की तरफ से एक कमरा बनेगा, और हो सकता मैंने एक कमरा कम ही कह दिया हो लेकिन एक कमरे का हक तो मैं रखता हूँ। हर एक रूह को हाक, हर एक रूह को आह का हक है, हर एक निगाह को निगाह का हक है, मैं भी तो एक दिल लेके आया हूँ, मुझको भी एक गुनाह का हक है। तो माननीय संतोष सिंह जी हमारे मित्र हैं, उनकी तरफ से भी एक कमरा, मेरा दिल है, मैं जानता हूँ कि आप देखिए बहुत लोगों के पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं, महाराज श्री का संकल्प अपने लिए है ही नहीं। मैं इस मंच से, इस पवित्र मंच से दावे के साथ कहना चाहता हूं
कि आपका एक एक पैसा इसी आश्रम में लगेगा। आश्रम की जो मर्यादाएं हैं उनका अनुपालन होगा, वो गरीब अनाथ बेसहारा बच्चों के लिए होगा। आप सबको ये कहते हुए गर्व होगा कि मेरा भी थोड़ा सा स्थान अवध धाम की पवित्र पावन धरती पर। ये गौरव का विषय है। आप अपने लिए बहुत बना लेते हैं, नहीं तो एक शेर मुझे याद आती है, जिनके लिए आपने बहुत कुछ कर डाला, पढ़ी नमाजें जनाजा हमारी गैरों ने, मरे थे जिनके लिए रह गए वजू करते। पढ़ी नमाजें जनाजा हमारी गैरों ने, मरे थे जिनके लिए रह गए वजू करते। बहुत लोग अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, अरे धर्मार्थ कार्य में थोड़ा सा धन लगाओ। अगर प्रभु ने आपको समर्थ किया है, प्रभु ने आपको सक्षम किया है, तो बहुत थोड़ा, वैसे तो दशांश की बात कही जाती है, लेकिन मैं दशांश की बात नहीं करता, नहीं आप डर जाएं कि पता नहीं क्या कहने वाले हैं, लेकिन इस पवित्र पावन धरती पर ये दो गज भी आपकी जमीन होगी, आपकी आने वाली पीढ़ी आएंगी, आपके नाम का शिलालेख होगा, आपके नाम के शिलालेख को देख करके वो अपने आप को गौरवान्वित तो महसूस ही करेंगी, साथ ही साथ उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी कि अगर हमारे पूर्वज कुछ ऐसा करके गए हैं तो मैं भी कुछ ऐसा ही कर जाऊं। महाराज श्री के चरणों में निवेदन, और जो ये संकल्प है ये पूरा होगा, मुझे लगता है पूरा होगा। ये एक एक करके घोषणाएं होती जाएंगी। अब महाराज श्री से चाहेंगे मैं आशीर्वाद अब निवेदन करूंगा इसी कड़ी में। महंत पवन कुमार दास जी महाराज दो शब्द में हम सबको आशीर्वचन से अभिसिंचित करें। श्री महंत पवन कुमार दास जी महाराज महामंत्री संत सभा अयोध्या। श्री राम। परम श्रद्धेय मंच पर विराजमान क्रांतिकारी श्री राम कथा के प्रचंड व्याख्याता, नाम से मधुरता ज्ञान शालीनता सबको समेटे हुए परम पूज्य व्यासपीठासीन श्री भरत दास जी व्यास जी महाराज, मंच पर तीर्थों को भी पवित्रता प्रदान करने की जिनके चरण धूल में शक्ति है, ऐसे अवध धाम के सिरमौर श्री मौनी जी माझा के परम पूज्य श्री महंत जी महाराज, सार्वभौम दार्शनिक पीठ आश्रम के परम पूज्य महंत श्री जनार्दन दास जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज चारों युगों में अयोध्या जी के राजा हैं और उस राजगद्दी का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे बीच विराजमान परम श्रद्धेय पूज्य चरण महंत श्री बलराम दास जी महाराज, राजस्थान की धरती जहां वास्तव में हिंदुस्तान बसता है और वहां के मनुष्य में तो क्या, जहां के पशुओं में भी राष्ट्रीय भावना बसती है और आज भी हम लोग चेतक का गुणगान करते हैं, ऐसे अवध धाम में जयपुर मंदिर के परम पूज्य श्री महंत जी महाराज, हनुमान जी के बिना राम कथा अधूरी है, सिया बल्लभ भवन नया घाट के पूज्य महंत श्री हनुमान दास जी महाराज, नागेश्वर नाथ भगवान के बगल में विराजमान रामलला पीठ के श्री महंत दद्दन जी महाराज, रामायणी श्री रामदास जी कृपालु जी महाराज और जगतगुरु रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले, ऐसे जगतगुरु रामानंदाचार्य जी पीठ के महंत डॉक्टर श्री ममता शास्त्री जी, विशेष रूप से पर्वत सर राजस्थान से पधारे हुए सभी श्री राम जी के प्यारे दुलारे भक्तजन, और अयोध्या जी संपूर्ण विश्व में विराजती है तो संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तजन, श्री राम कथा श्री राम जी का नाम तीनों काल
तीनों युग चारों युग और हर समय में सत्य है। इसका प्रमाण अगर कहीं से मिलता है तो वो है इस अयोध्या जी की धरती से, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का अवतार इस पावन धराधाम श्री अयोध्या जी में हुआ और संपूर्ण विश्व इस बात को जानता है कि भारत विश्व गुरु है, विश्व गुरु रहा है और आने वाले समय में भी यह विश्व गुरु के पद पर ही स्थापित रहेगा। यह अयोध्या धाम की धारा संपूर्ण विश्व का सदैव नेतृत्व करती रही है, आज भी कर रही है और सनातन धर्म की कीर्ति पताका श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के माध्यम से हम लोग पूरे विश्व में फहरा रहे हैं। और उसके जो सबसे बड़े कारक हैं, जो सबसे बड़ी शक्ति है, उस परमात्मा को, उस भगवंत को प्रकट करने के लिए इस संत शक्ति की आवश्यकता होती है। ये संतों के चरणों की कृपा है कि आज भी राम जी के अस्तित्व को हम लोगों ने सिद्ध किया है। और जब तक हमारे बीच इस प्रकार से श्री राम कथा के अमर गायक लोग रहेंगे, यह कीर्ति पताका युगों युगों तक फहराती रहेगी। बस इतना ही कहते हुए पूज्य संतों के चरणों में और बाल व्यास श्री भरत जी के चरणों में सबको विश्व भरण पोषण कर जोई, इसी तरह से श्री राम कथा राम भक्ति से हर हृदय को भरते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय श्री राम। बहुत बहुत नमन महंत पवन कुमार दास जी को। महान जी महंत बलराम दास जी महाराज हमारे अनन्य मित्र हैं और बड़ी कृपा रहती है, आप दो शब्द में आशीर्वचन बोलिए। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सीताराम जी महाराज की। शास्त्र कहता है कि कोटि कल्प काशी बस, मथुरा कल्प हजार, एक निमित्त सरयू बस, तुलय न तुलसी दास। इस साकेत धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से इस ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं या पूज्य बाल भरत जी के माध्यम से जो राजस्थान से या लखनऊ से कानपुर से जो लोग आए हैं उनका माध्यम पूज्य व्यास जी बने हैं कि आप एक निमित्त नहीं सात सात दिन अयोध्या में वास कर रहे हैं, तो आप सौभाग्यशाली हैं। निश्चित रूप से इसमें दो राय नहीं है, पूज्य व्यास जी अपने लिए नहीं, आप सबके लिए 101 कमरे का अपना आवास बना रहे, आपके रहने के लिए, आपके आने के लिए। मैं श्री हनुमान जी महाराज की तरफ से साकेत धाम चैरिटेबल ट्रस्ट को श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि ये और सतत बढ़ता रहे और इनके भक्त भी, इनके भक्त के ऊपर भी हनुमान जी की कृपा बनी रहे। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए मैं अपनी बात कह रहा हूँ, अपनी अपनी ये भाषा में कह रहा हूँ तो उसको आप लोग समझ लीजिएगा मैं जो कह रहा हूँ, तो इसलिए ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, था क्षमा मांगते हुए मैं यही चाहूंगा श्री हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा कि साकेत धाम चैरिटेबल ट्रस्ट का आप लोग मदद करें जिस तरीके से हो सके और अयोध्या में एक निमित्त सरयू बसे, तुलने तुलसीदास के कथन को चरितार्थ करते हुए किसी न किसी माध्यम से आकर के बसे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह वाह वाह, गागर में सागर विशा कार्य किया मान जी ने। मैं निवेदन करूंगा बहन जी डॉक्टर ममता शास्त्री जी। सबसे पहले व्यास गद्दी को सादर दंडवत और इस मंच पे जितने संत चरणारविंद उपस्थित हैं वो सब मेरे गुरुदेव की उम्र के हैं, मैं सबसे छोटी आयु की मानती हूँ इस अयोध्या में, तो इसलिए सारे संत चरणारविंद सारे गुरुजनों के चरणों में बारंबार प्रणाम। और इस कथा में उपस्थित अयोध्या और अयोध्या से सुदूर जगहों से आए हुए सभी संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। राजस्थान एवं और प्रदेशों से जो भी महाराष्ट्री से जुड़े हुए भक्त हैं उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आप लोग ही नहीं हम लोग भी बहुत बड़े भागी हैं, बहुत बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर ठाकुर जी की कि हम लोग श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। और एक चीज मैं बताऊं कि जगह का स्थान का बड़ा महत्व होता है, जगह वो हर जगह, यह धरती है, अभी धरती है, राजस्थान की भी धरती है, उत्तर प्रदेश में कानपुर की भी धरती है, लखनऊ की भी धरती है, लेकिन जगह का अपना एक महत्व होता है, प्रमाण होता है। तो आपको बताऊं कि कोई कार्य जब आप अपने गांव, गृह, जनपद, शहर, जहां भी आप लोग निवास करते हैं अगर वह कार्य करते हैं तो अगर उसका लाभ आपको हजार गुना मिलता है
अगर वही कार्य, वही धर्म का कार्य, वही धार्मिक आयोजन, वही श्री राम कथा अगर आप किसी तीर्थ में जाकर करते हैं तो वह लाख गुना बढ़ जाता है। लेकिन एक चीज मैं बीच में जरूर जोड़ूंगी कि यह जो अयोध्या है, अगर यही कार्य अयोध्या में अगर किया जा रहा है, यही श्री राम कथा, तो यह करोड़ गुना फल दे रहा है। क्यों? क्योंकि राजा राम अवध राजधानी, जो राजा राम की राजधानी है वो अवध है। और मैं आपको बता दूं कि सारे तीर्थों का मुकुटमणि जो है वो अयोध्या जी हैं। तो इसलिए यह कथा करोड़ गुना लाभ देने वाली है, क्योंकि आप अयोध्या की धरती में सुन रहे हैं, उस धरती पे सुन रहे हैं जिसमें स्वयं तीर्थ में आने के लिए ललायत रहते हैं। इसलिए हम सब लोग बड़े बड़े भागी हैं, बड़े ठाकुर जी की हम सब लोगों के ऊपर कृपा है, आप सब लोगों के ऊपर कृपा है कि यह कथा का श्रवण हम अवध की धरती पर सुन रहे हैं। बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आचार्य पीठ उपस्थित उपस्थित श्री संत चरणारविंद महंत संत जन, आगंतुक सारे भक्त जन, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि इस सुंदर कथा का श्रवण कर रहे हैं। चूंकि अवध धाम धामात पति अवतारण पति राम, सकल सिद्ध पति जानकी और दासन पति हनुमान, इसलिए ये सर्वोपरि है। नासाग्रे वाराणसी अयोध्यापुरी मस्तके, मस्तक है अयोध्यापुरी, यहाँ पर राम कथा हो और आप लोग श्रवण करें, ये बड़ी भाग्यशाली की बात है। इसमें जो भी हो अपना तन मन धन से इसमें सहयोग करें और कथा का श्रवण करें। जय श्री राम। रघुवर तेरी भारती उतारूं सीताराम, रघुवर तेरी भारती उतारूं सीताराम, सियावर तेरी भारती उतारूं सीताराम, सियावर तेरी भारती उतारूं सीताराम। कनक सिंह दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, पल पल छिन छिन रूप निहारूं सीताराम, हे रघुबर तेरी आरती उतारूं सीताराम। चरणों में मैं बलि बलि जाऊं सीताराम, हे रघुबर तेरी आरती उतारूं सीताराम। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, इसने चरणों के मैं दर्शन पाऊं सीताराम, हे रघुबर तेरी आरती उतारूं सीताराम, रघुबर तेरी आरती उतारूं जानकी नायक राम चंद्र हरे।